इस तरह का यूआई बनाना सिखाया है ना, वो फ्लोट के ज़रिए सिखाया है, लेकिन आप लोग ये काम फ्लैक्स बॉक्स के ज़रिए बहुत इजीली कर सकते हैं, जिसका इस बुक में जिक्र नहीं है। फ्लैक्स बॉक्स क्योंकि बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है इस बुक के आने के बाद। अच्छा, स्क्रीन साइज़ेस का यहाँ पे इन्होंने जिक्र कर दिया है। पहले तो बल्कि ना आके हम ज़रा वो जेड इंडेक्स वाली चीज़ ना देख लेते हैं, जो जेड इंडेक्स पीछे गुजर गया ना, कि ये जेड इंडेक्स क्या चीज़ होती है। इसमें मैं आपका कोड खोल लेता हूँ। ओके, सेक्शन बी, और सेक्शन बी में हमारे पास पोजीशन के नाम से जो हम पढ़ रहे थे, कॉपी पाथ, ठीक है। तो कुछ इस तरह की हमारे पास एक यूआई थी जो हमने लास्ट बनाई थी। इसमें बहुत सारे हमने अजीब अजीब किस्म के काम किए थे, जो अभी शायद देख के लग रहा होगा ये पता नहीं क्या है। तो हमने इसमें छोटी छोटी सी टूल्स की प्रैक्टिस की थी। अच्छा, तो हम अभी जेड इंडेक्स ज़रा पहले देख लेते हैं। जेड इंडेक्स क्या चीज़ होती है कि सम टाइम्स जब दो एलिमेंट आपस में ओवरलैप करते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं जब, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल फ्लो में ये चीज़ कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हर एलिमेंट जो नॉर्मल फ्लो होता है उसके अंदर क्या होता है, टॉप टू बॉटम चल रहा होता है, कि एक एलिमेंट ऊपर आएगा, उसके नीचे और उसके नीचे और उसके नीचे आ रहा होगा, ठीक है। अगर वो इन लाइन होगा तो वो क्या करेगा, लेफ़्ट टू राइट की तरफ जा रहा होगा, कि एक एलिमेंट अगर मौजूद है, मैं दूसरा एलिमेंट लगाता हूँ तो वो उसके राइट के ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट का वो फ्लो चलता है, तो कभी भी एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप नहीं करेगा, अनटिल एंड अनलेस कि इसको मैं क्या कर दूँ, जो ये वाला था ना, इसमें से कोई पोजीशन मैं इसकी ना सेट कर दूँ, ठीक है। आया कि या तो मैं रिलेटिव पोजीशन इसकी सेट करता हूँ या मैं एब्सोल्यूट पोजीशन सेट करता हूँ, ठीक है। तो आप देखें, उस सूरत में ये ओवरलैप कर सकता है। अच्छा, ओवरलैप करने की सूरत में क्या होगा कि जिस चीज़ को मैंने नॉर्मल फ्लो से बाहर निकाला है, यानी कि जिस चीज़ को मैंने एब्सोल्यूट किया है, इतने ब्लॉक को मैंने एब्सोल्यूट किया है, तो ये हमेशा क्या होगा, नॉर्मल फ्लो के ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल फ्लो से बाहर निकाल लिया इसको मैंने। लेकिन सम टाइम ऐसा हो सकता है कि मैं ये जो मल्टीपल, मिसाल के तौर पे देखें, अभी तो दो एलिमेंट्स हैं ना, कि एक एलिमेंट पीछे आ रहा है, एक एलिमेंट उसके आगे आ रहा है, सम टाइम ये तीन या चार भी हो सकते हैं, ठीक है, और लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो इसमें अगर मैंने इनकी जो जेड पोजीशन है, देखो एक तो होती है ना एक्स की पोजीशन होती है यूँ हॉरिजॉन्टल, कि जी एक एलिमेंट को मैंने स्क्रीन के राइट पे रखना है या स्क्रीन के लेफ्ट पे रखना है। एक पोजीशन होती है कि टॉप टू बॉटम है ना, ये डायमेंशन जो होती है, थ्री डायमेंशन हमने लास्ट भी क्लास में जिक्र किया था। और एक होती है जेड, जेड जो होती है डेप्थ होती है, कि अगर मेरे पास मेरी 2D स्क्रीन के ऊपर कौन सी चीज़ पीछे है, कौन सी चीज़ आगे है, तो इसको अगर मैंने चेंज करना है तो मैं जेड इंडेक्स सेट करता हूँ। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये वाला जो इस वक्त रेड कलर का बॉक्स है, इसका अगर मैं जेड इंडेक्स सेट कर दूँ -10, तो ये जिस जगह पर है ना उससे पीछे चला जाएगा, ठीक है। और अगर ये पीछे होता और इसके हम इंडेक्स सेट कर देता मैं 100, तो ये फ्रंट पे आ जाता। आ जाओ इसको करके देखते हैं। पहले तो इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये है कौन सा वाला। इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, और इंस्पेक्ट करके मैं इस एलिमेंट को ऐसे सेलेक्ट करता हूँ। एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद हमें ये पता लगा कि कार्ड के अंदर H1 के नाम से ये एलिमेंट है जिसके ऊपर हम ये स्टाइल लगाना चाह रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जेड इंडेक्स, और क्योंकि फ्रंट पे इसको मैंने पीछे लेके जाना है तो मैं माइनस में दूंगा। मैंने कहा -10, ठीक है। तो आप नोट करें कि क्या हुआ, टेक्स्ट ऊपर आ गया और वो पीछे चला गया। अच्छा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जितने भी लेयर्स होंगी ना, यानी मिसाल के तौर पे चार एलिमेंट्स हैं जो आपस में एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो मैं चारों को अलग अलग जेड इंडेक्स देकर उसको, यानी जो जेड डायमेंशन है वो सेट कर सकता हूँ। अच्छा, जेड इंडेक्स को अगर मैं ज़रा MDN पे आके देख लूँ जी, ठीक है जी, ये इन्होंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करके बताई है कि ये चार एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। तो इन चारों एलिमेंट को इसने जेड इंडेक्स 1, 3, 5 और 7 करके दिया है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे पे जो है ना मेरी मर्ज़ी से ओवरलैप हो गया। मिसाल के तौर पे अगर इसको मैं चेंज करूँ तो आई थिंक इस वाले को मैं कहता हूँ कि यार -20 है, तो सबसे पीछे चला गया ये। आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने ये एग्जाम्पल क्या बनाई है। अगर मैं सबको 0-0 करूँ पहले, तो
ठीक है, सबको जीरो जीरो भी कर दूंगा ना मैं, तो स्टिल जिसका जो फ्लो है ना, जिस सीक्वेंस में वो एलिमेंट लिखा हुआ है उस सीक्वेंस में वो आगे और पीछे ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो एक दूसरे में यू अंदर चल गया, वो एक आगे और एक पीछे ही रहेगा। अच्छा, अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा इस वाली एग्जांपल के अंदर कि ये किस वाले बॉक्स का जो है ना, ये कौन सा वाला है। आई एम नॉट श्योर कि ये किस वाले बॉक्स में ना कौन सा वाला अप्लाई हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सबसे फर्स्ट वाले को पीछे भेजता हूँ। मैं कहता हूँ माइनस टेन, लेकिन वो माइनस टेन से बिल्कुल गायब हो जाता है। ये क्या चक्कर है? ओ आई सी, ये येलो वाले बॉक्स पे ही लगा हुआ है ये हर दफ़ा। तो अगर मैं इसको लिखूँ टू तो वो एक से ऊपर आ जाता है, अगर मैं इसको थ्री लिखूँ तो वो दो से ऊपर आ जाता है, और फोर लिखूँ तो वो, और अगर मैं सिक्स लिखूँ और सेवन लिखूँ तो सबसे ऊपर। अच्छा, ये समझ आ गया ना क्या चक्कर है ये। ये देखो, ये वाला जो बॉक्स है इस पर फिक्स लगा हुआ है जेड इंडेक्स सिक्स, इस पर लगा हुआ है फोर, इस पर लगा हुआ है टू। इसको हम चेंज नहीं कर सकते इस एग्जाम्पल के अंदर। हम जो चेंज कर सकते हैं वो इस वाले को कर सकते हैं। तो अगर मैं ये येलो वाले को जो बैकग्राउंड में है, जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ इस एग्जांपल के अंदर, उसको अगर मैं देता हूँ फाइव, तो वो सिक्स और फोर के दरमियान में जाके लाए कर रहा होगा। इस तरह की कोई सिचुएशन है। आओ उसको फाइव दे के देखते हैं। फाइव देता हूँ ना, तो देखो सिक्स वाला ऊपर है और उसके बाद फाइव है और उसके बाद पीछे फोर और थ्री और टू है। तो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल हमने देख ली। और अब आ जाते हैं नीचे इसके सिंटैक्स के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और नोट करने वाली यहाँ पर ये है कि इनिशियल वैल्यू तो सबकी ना देखो ज़ीरो होती है ना, जेड इंडेक्स सारे ज़ीरो होते हैं, तो जिस सीक्वेंस में आप लिखते हो उस सीक्वेंस में आ जाता है। लेकिन मैंने जब उसको अपने कोड में अप्लाई किया था तो मैंने उसको माइनस टेन दिया था, या मैंने उसको पॉजिटिव टेन दिया था। तो ये चीज़ ना नोट करने वाली है कि जब भी मैं जेड इंडेक्स के थ्रू अपने एलिमेंट को स्टैक करता हूँ, तो मैं कभी भी ये नहीं करता कि वन टू थ्री नहीं देता उसको, मैं कभी उसको मैं देता हूँ टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी ऐसे देता हूँ, दस दस या बीस बीस का जो है ना मैं गैप रख के देता हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों करता हूँ मैं? ऐसा इस वजह से करता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया, एक एलिमेंट को दे दिया ट्वेंटी, एक एलिमेंट को दे दिया थर्टी। अब हो सकता है मुझे उसके दरमियान में कोई एलिमेंट लाना पड़े इन फ्यूचर, ठीक है, तो मेरे पास ये ऑप्शन होगा कि मैं थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री करके वो पूरा दस एलिमेंट मैं उसके दरमियान में ला सकता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से हम हमेशा इसको क्या करते हैं, टेन ट्वेंटी थर्टी करके देते हैं। ठीक है, अभी जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी GW Basic, GW Basic में ये होता था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि जब हम कोड लिखते थे ना, लाइन बाय लाइन चलता था वो, तो उसमें ये ऑप्शन नहीं होता था कि पीछे वाली लाइन को हम चेंज कर दें, तो उसमें लाइन नंबर भी ऐसे लिखते थे टेन ट्वेंटी थर्टी। अगर किसी ने, अगर कोई मेरे ज़माने का यहाँ बैठा हुआ है, तो सेवन एट क्लास की बुक में MS-DOS के ऊपर वो प्रोग्रामिंग करते थे GW Basic से। GW Basic की अगर किसी को मैं दिखा दूँ ना, कुछ इस तरह का कोड होता था वो, देखो 10, 20, 50, 60, 70, 80 ऐसे करके लिखते थे इसका कोड। इसका रीज़न क्या था कि अगर 20 और 50 के दरमियान में मुझे कोई अगर मज़ीद नया कोड लिखना है ना, तो मैं ऊपर में अभी तो जैसे होता है ना एम एस वर्ड में, मैं ऊपर ऊपर जाके कर्सर वहाँ ले जाता हूँ और लिख देता हूँ जो लिखना होता है। इसमें वो ऑप्शन नहीं होता था क्योंकि ये चलता था टर्मिनल के ऊपर। टर्मिनल में आपने एक कमांड लिख के एंटर कर दी तो आप वापस तो नहीं जा सकते, या तो पूरा लिखें आप शुरू से। तो फिर जो है ना इसके अंदर फिर क्या करते थे, मैं कहता था लाइन नंबर 20 से 50 के दरमियान का कोई भी लाइन नंबर लिखता था तो वो इस जगह पे ऑटोमेटिकली चला जाता था। ठीक है, तो ये भाई वहाँ से इन्होंने ये लिया है। अच्छा, हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बाद में चेंज नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल ये है कि अगर मैंने कोई बहुत बड़ी CSS लिख दी है पहले से, तो उस CSS के अंदर अब कहाँ पे मैंने उसको पोजीशन दी है, अब उस पोजीशन को मैं चेंज करूँगा तो कोई दूसरा भी छिड़ जाएगा उसकी वजह से। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, 10, 20, 30 का गैप देता हूँ बीच में, कि मैंने अगर इन लाइन छोटा सा कोई काम करना है ना एमरजेंसी में, तो मैं जल्दी से उसको 10, 20, 30 के बीच में ना 11 या 21 ऐसे दे के मैं उसको सेट कर लूँ। अच्छा, तो ये हमारा जेड इंडेक्स हो गया। ठीक है, इसको मैंने सेट कर लिया, इसको मैं वापस रिफ़्रेश करूँगा तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा।
अच्छा अब हमारे पास, हाँ समझा नहीं मैं सवाल तुम्हारा। हाँ नहीं, 10 एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, नहीं पॉइंट करके नहीं कर सकते। इसमें आई एम नॉट श्योर, अभी देख लेते हैं। इसमें इन्होंने तरीका बताया हुआ था यहाँ देने का, इसमें पॉइंट वाला अलाउ तो नहीं किया हुआ इन्होंने। इन्होंने कहा भाई इंटीजर वैल्यू दोगे आप, ये लिखा हुआ इन्होंने, इन्होंने कहा इंटीजर वैल्यू दोगे आप, पॉइंट वाला देना अलाउ नहीं है करना। मतलब पॉइंट वाला दोगे आप तो ये होगा, जहाँ पे इंटीजर वैल्यू रिक्वायर्ड होती है अगर वहाँ पे आप पॉइंट वाली वैल्यू देते हो तो वो पॉइंट को पहले करता है रिमूव, और उसके बाद जो बचता है ना उसको वो कंसिडर करता है। तो आपने अगर 10.1 दिया ना, या 10.2 दिया, या 10.3 दिया, तो वो 10 ही कंसिडर करेगा उसको। अच्छा भाई आ जाते हैं अब आगे हम। अच्छा आगे हम ये स्क्रीन साइजेस के बारे में ज़रा देख रहे थे कि ये स्क्रीन साइजेस क्या बला हैं। इन्होंने बोला कि जी स्क्रीन साइज़ ना मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट विजिटर्स टू योर साइट विल हैव डिफरेंट स्क्रीन साइजेस दैट शो डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, सो योर डिज़ाइन नीड्स टू बी एबल टू वर्क ऑन अ रेंज ऑफ डिफरेंट साइज्ड स्क्रीन्स। हम ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन थोड़ा सा देख चुके हैं पहले कि जी वो कैसे हम जो है ना एक ही वेबसाइट को 3 या 4 डिवाइसेस के ऊपर रिस्पॉन्सिव करते हैं। अच्छा रिस्पॉन्सिव में हमने अभी इस वक्त क्या क्या देख लिया है, फ्लैक्स बॉक्स के अंदर रैप की एक प्रॉपर्टी थी जिससे क्या होता था कि जी अगर आपके पास 4 बॉक्सेज हैं साइड बाई साइड, तो अगर स्क्रीन छोटी हो तो वो साइड बाई साइड 4 होने के बजाय वो 2 हो जाए और बाकी का 2 वो अगली लाइन पर मूव कर जाए। तो ये हम इतना देख चुके हैं। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि उसमें हम टोटली CSS को ही चेंज कर देते हैं कंडीशन लगा के, है ना। एलिमेंट एक एलिमेंट बिल्कुल ही गायब करा देते हैं और उसकी जगह दूसरा एलिमेंट हम शो करा सकते हैं, तो इतनी हमारे पास कैपेसिटी होती है। तो वेल पहले ज़रा ये स्क्रीन साइज़ के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जी आईफोन 4 जो है वो 3.5 इंच की स्क्रीन उसके अंदर होती थी। अच्छा क्योंकि ये जब बुक लिखी गई थी 2009 में गालबन, तो उस वक्त आईफोन 4 जो है वो सबसे लेटेस्ट आईफोन हुआ करता था, सही है। अभी इसके आगे आप 1 लगा लो तो 14 लेटेस्ट है इस वक्त। तो 3.5 इंच की स्क्रीन थी और उसका जो रेजोल्यूशन था वो 960x640 था, ठीक है। अच्छा इसमें जो रेजोल्यूशन लिखा जाता है उसमें हमेशा जो फर्स्ट वाला होता है ना वो क्या होता है, इसमें एक एक्स है और एक वाई है ना, तो फर्स्ट वाला कौन सा होता है, एक्स होता है, फर्स्ट वाला एक्स होता है, ठीक है। तो ये वाई होता है, तो x जो है ना वो ऐसे वाले को हम कहते हैं x। तो आप समझ लो कि ना ये फ़ोन को जब आप ये तो ऐसे खड़ा हुआ है ना फ़ोन, जब ये ऐसे करोगे ना तो ये वाली रेजोल्यूशन आ रही है 960x640, और अगर आप इसको पोर्ट्रेट में कर दोगे तो ये अपोजिट हो जाएगा। तो अगर आप इसके ऊपर कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो अगर आप, तो वो लैंडस्केप में आप देख रहे होते हो मोस्टली, तो उस पर ये वाली रेजोल्यूशन आपको दिख रही होती है। अच्छा इसी तरीके से यहाँ पर भी इन्होंने जो लिखा है ना, यहाँ पर भी इन्होंने जो x और y लिखा है वो इसी सेंस में लिखा है कि ये लंबाई इसकी जो है ना 1024 है, लेकिन एक्स की जगह पे क्यों लिखा है, क्योंकि पोर्ट्रेट मोड में और लैंडस्केप मोड में एक्स वाई जो है वो फ्लिप हो जाता है एक्चुअली। तो इसकी जो भाई रेजोल्यूशन है वो 768 है, किसकी है, आईपैड 2 की। आईपैड भी उस वक्त आईपैड 2 जो है वो लेटेस्ट हुआ करता होगा शायद, लेकिन अभी जो आईपैड लेटेस्ट है वो कौन सा है, इसका नहीं पता, इसका मुझे भी नहीं पता, पता नहीं 9 या 10 उसका भी चल रहा है आईपैड का भी, ठीक है। अच्छा और फिज़िकल जो साइज़ होता है इसका वो 9.5 इंच की स्क्रीन होती है, यानी समझ लें ये 9 इंच है, ठीक है। डायगोनल हमेशा नापते हैं ना, तो अगर आप उसकी स्क्रीन पर ऐसे डायगोनल इसको रखेंगे तो 9.5 इंच की स्क्रीन है, अच्छी खासी बड़ी स्क्रीन होती है, ठीक है। और एक इसका और भी आ गया अभी, वो पता नहीं, वो तो और 12 इंच की स्क्रीन है उसकी, 13 इंच की स्क्रीन है अभी जो नया वाला आया जो M1 वाला जो, तो वो तो भाई पूरा लैपटॉप का रिप्लेसमेंट है वो। अच्छा और उसके बाद जो है ना हमारे पास जो लैपटॉप की जो स्क्रीन थी उस वक्त भी और अभी भी वो है 1280 और 800 पिक्सल, 1280x800 पिक्सल, ठीक है। इसमें इन्होंने एक्स जो है सही जगह पे लिखा है, फर्स्ट पे उसने विड्थ लिखी है, क्योंकि इसके अंदर इसको घुमा नहीं सकते आप ना, लैपटॉप को घुमा नहीं सकते। अच्छा और आई मैक जो है 27 इंच की स्क्रीन जो सबसे बड़ी स्क्रीन होती है, यानी 27 इंच की स्क्रीन इतनी बड़ी होती है, यहाँ पे जो ये रखे हैं ये शायद 21 इंच है शायद ये वाले मॉनिटर, या शायद 17 इंच है, आई एम नॉट श्योर, 17 इंच है ना ये। अच्छा 27 इंच अच्छा खासा बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, तो
तो ये पर्सनल कंप्यूटर के अंदर सबसे बड़ी स्क्रीन यही है, इससे बड़ी स्क्रीन नहीं होती आमतौर पर। हाँ, किसी ने अगर एक्सेप्शनली 55 इंच का इतना बड़ा लगा लिया मॉनिटर तो वो बात अलग है। 40 इंच नहीं, आजकल वैसे मैंने देखा है लोग ना वो लगा लेते हैं 4K टीवी लगा लेते हैं। 4K टीवी ना बड़े सस्ते हो गए हैं आजकल, तो 40-50 हज़ार के अंदर ना वो बड़े वाले मिल जाते हैं, इतने बड़े वाले सैमसंग के और पता नहीं कौन से। तो हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो मतलब समझदार लोग नहीं लगाते, वो बच्चे लगाते हैं सिर्फ। वो इसलिए कि जो है ना आपका जो 4K का जो मॉनिटर है, एक तो मॉनिटर होता है ना, एक टीवी होता है, टीवी दूर से देखने के लिए होता है, मॉनिटर करीब से देखने के लिए होता है। तो मॉनिटर जो है ना वो 4-4 लाख रुपए के हैं 50 इंच के या 4K वाले जो हैं, और ये जो है वो 50-50 हज़ार के हैं। तो इसमें भाई फ़र्क है बहुत, जो मतलब पिक्सल बकायदा फील हो रहा होता है, पिक्सल आता हुआ उसके अंदर ना, इतनी बड़ी स्क्रीन होती है। तो टीवी जो बच्चे ही लगाते हैं, मैंने जो प्रोफेशनल्स को कभी नहीं देखा ये लगाते हुए ना टीवी लगाते हुए। तो वेल, हमारे पास डिफरेंट स्क्रीन साइज़ की यहाँ पे बात हो गई ना। अच्छा, अब चक्कर ये है कि ये डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के ऊपर हम अपनी वेबसाइट को कैसे मैनेज करेंगे। अगर हमने एक वेबसाइट बनाई है जो हमने फ़ोन पे भी दिखानी है, जो हमने टैबलेट पे भी दिखानी है, और हमने स्मॉल लैपटॉप और लार्ज लैपटॉप पे भी दिखाना है, ठीक है, ये 27 इंच से ज़्यादा वाले को हम सपोर्ट नहीं देंगे। अगर किसी ने 4K टीवी लगाया हुआ तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पे लगाया हुआ, हम 27 इंच तक वाले को देखेंगे कि जी यहाँ तक हो जाएगी। अच्छा, 27 इंच वाला वैसे जो है ना 2K है, 2.5K है ये। तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे अपनी वेबसाइट को इस डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के ऊपर। आज से कुछ अरसे पहले तक ये होता था कि हम करते थे रिस्पॉन्सिव अपनी वेबसाइट को, हम क्या करते थे रिस्पॉन्सिव करते थे। एक ही वेबसाइट होती थी, वो जब बड़ी स्क्रीन पे खुलती थी तो वो रिस्पॉन्स करके वो बड़ी हो जाती थी, जब वो टैबलेट पे खुलती थी तो वो छोटी होती थी, और मोबाइल पे वही वेबसाइट बिल्कुल छोटी हो जाती थी। ठीक है, ये वाला जो ट्रेंड है ना ये अब ख़त्म हो चुका है। सही है, ये ख़त्म इस वजह से हो चुका है कि देखो चार अलग अलग स्क्रीन साइजेस है ना। देखो मॉनिटर का जो मॉनिटर, जो बड़ा मॉनिटर है या जो लैपटॉप की स्क्रीन है, उसके जो डायनेमिक्स हैं, उसके जो ऑड्स हैं, है ना, यानी उसकी जो उसके जो सिचुएशंस हैं, आप कह लो सिचुएशन बिल्कुल एक मुख्तलिफ सिचुएशन है। ठीक है, मॉनिटर के अंदर अभी स्टिल डिज़ाइन की तरफ जाएगी ये बात, जो हमने डिज़ाइन डिस्कस किया था ना कि इस मॉनिटर के ऊपर बंदा किस वक्त कहाँ देख रहा होता है, किस जगह पे क्लिक करना उसके लिए आसान होता है, ये सारे डायनेमिक्स अलग हैं। हमने फ़ोन पे ये बात डिस्कस की थी कि फ़ोन पे जो डिज़ाइन है, मेरा जो थंब है वो आप देखें ये कहाँ तक जा रहा है। अगर इस रेंज से ऊपर मैंने कोई बटन बनाया हुआ है तो मेरे लिए उसके ऊपर क्लिक करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे जो मेरा थंब है वो यहाँ तक जा रहा है, तो एक नीचे भी एक छोटा सा रेंज है जो मेरे लिए टच करना बड़ा मुश्किल है उसको। तो फ़ोन के ऊपर ये वाला एक मसला है, ये बल्कि मैं आपको इधर खोल के दिखाता हूँ, टच एरिया फोन टैबलेट। ठीक है, फ़ोन के ऊपर तो मैंने आपको दिखा दिया, अब टैबलेट के ऊपर देख लो क्या है, ये आ गया ना। डिपेंडिंग ऑन कि बंदा उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, अगर तो ऐसे एक हाथ से इस्तेमाल कर रहा है जो मैंने अभी आपको दिखाया तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, है ना, कुछ एरिया ऐसा होगा जो उसके लिए बड़ा इजी टू एक्सेस होगा। ये भी डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के ऊपर डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पे ये जो 6 इंच वाला फ़ोन है ना, बड़ा फ़ोन है, इसके अंदर तो काफ़ी यानी आधे से ज़्यादा स्क्रीन है जो एक्सेसिबल ही नहीं है, आधी से ज़्यादा स्क्रीन। लेकिन जो छोटा वाला फ़ोन है, जो 4.5 इंच की जो स्क्रीन है, आई थिंक जो एक तो मैक्स वाले हैं ना, ये बगैर मैक्स वाले जो होते हैं, ठीक है, अभी हमारे पास एंड्रॉयड में भी यही चल रहा है एक्चुअली। एक चल रही है 4.5-5 इंच की स्क्रीन, एक चल रही है 6 इंच और 6.5 इंच वाली स्क्रीन। तो ये दो मेजर कैटेगरी हैं फ़ोन के अंदर। तो उस पर ये डिपेंडिंग ऑन कि वो 4 इंच वाला आप यूज़ कर रहे हैं या 5 इंच वाला या 6 इंच वाला, ये मैप डिफरेंट होगा उसके ऊपर। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप उसको एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है आपने ऐसे अलग, और दूसरे हाथ से उसको आप चला रहे हैं, तब तो पूरा ही ग्रीन है, कहीं भी टच कर दो आप। सही है, तो 1-handed यूज़ और 2-handed यूज़ इज़ एंटायरली डिफरेंट ऑर्ड। तो ये हमने एक बात समझ ली, ये मसला समझा रहा हूँ आपको, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है हम उसकी तरफ आएंगे। अच्छा, इसी तरह अगर टैबलेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो टैबलेट अगर डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप दो हाथ से यूँ पकड़ के इस्तेमाल कर रहे हैं, छोड़ा नहीं है आपने, दो हाथ से यूँ पकड़ के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मैप बनता है उसका कुछ इस तरह का। ठीक है, आधी स्क्रीन पे आपका एक्सेस होता है, लेकिन आपका थंब जाहिर है जो टॉप है, जहाँ पे कैमरा लगा होता है, जहाँ पे वेबकैम होता है, इस जगह पे आपका हाथ
नहीं पहुंचेगा, इसके लिए आपको टैबलेट को छोड़ना पड़ेगा। और टैबलेट जो है वो ज़रा सा हैवी होता है, तो वन हैंड से पकड़ के उसको ना यूज़ करना ज़रा मुश्किल होता है। इसके लिए फिर वो पीछे हैंडल वैंडल लगाते हैं, जो अभी आपने देखा था मर्दमशुमारी में जो टैबलेट यूज़ कर रहे थे उसके पीछे उन्होंने ना ग्रिप लगाई हुई थी, तो वो क्या करते थे वो यहाँ पे भी बांध सकते हैं उसको इस जगह पे। तो आप ऐसे ही करते हैं ना, तो यूँ उठाते हैं, आपको इधर दिख रहा होता है वो टैबलेट, ठीक है। जो मिलिट्री में क्या करते हैं ज़्यादातर के पीछे लगा देते हैं, यानी जो टैबलेट या लैपटॉप होता है ना वो एक सिपाही होता है उसके बैक पे लगा हुआ होता है। तो मतलब जब भी यूज़ करना होता है तो एक सिपाही आगे चल रहा होता है, उसके बैक पे ही लगा होता है, यूँ खोलते हैं यूज़ करते हैं वहीं से बंद कर देते हैं, ठीक है। या सम टाइम इधर लगाया हुआ होता है उन्होंने चेस्ट के ऊपर ना, तो उसको यूँ खोलते हैं तो स्क्रीन इधर आ जाती है। तो लेकिन ये ज़रा लेस कॉमन है, यहाँ पे चेस्ट के ऊपर बहुत कम लगाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो टैबलेट होता है वो उन्होंने जो है ना, जैसे राइफल का स्ट्रैप होता है इस तरह स्ट्रैप ऑन करके या तो लटकाया हुआ होता है जो उनके राइट थाई पे लगा हुआ होता है स्ट्रैप ऑन होके, या तो उन्होंने ऐसे इस पे बांधा हुआ होता है, इसको क्या कहते हैं आर्म, एल्बो आर्म के ऊपर या तो बांधा हुआ होता है ना, ठीक है। वो रगड़ टैबलेट्स होते हैं। तो बहरहाल डिफरेंट सिचुएशन में एक तो कंज्यूमर ग्रेड हो गया, दूसरा मिलिट्री ग्रेड है, तो दोनों के अंदर भी डिफरेंस है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, यही सिचुएशन जो है हमारे पास वो वाली कब होगी यार, इसमें एक मैप और मैं ढूंढ रहा था वो मुझे नहीं मिला, हाँ ये वाला, ठीक है। अगर आपने हॉरिजॉन्टली पकड़ा हुआ है या वर्टिकली पकड़ा हुआ है तो भी ये मैप आपका थोड़ा थोड़ा क्या बनेगा, डिफरेंट बनेगा, ठीक है। अब इस तरह से ये, अच्छा ये डिफरेंट स्क्रीन साइज़ ना, ये 4 इंच वाला फ़ोन, 5 इंच वाला फ़ोन और 6 इंच वाला फ़ोन, इसके अंदर भी ये मैप डिफरेंट है। ऑन अदर एंड ये हमने बात कर ली किन दोनों की, ये हमने बात कर ली इन दोनों की, इन दोनों के ऊपर ना ये वाला मसला है ही नहीं। इन दोनों के ऊपर मेरे पास माउस है। अब देखो मैं बगैर अपने हाथों को मूव किए ना माउस को इस कोने पे भी ले जा सकता हूँ, इस कोने पे भी ले जा सकता हूँ, और इस कोने पे भी, और इस कोने पे भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। ये वाला इसके अंदर इशू नहीं है कि भाई मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा वहाँ पे। माउस होता है, माउस को मैं कहीं भी ले जाता हूँ आसानी से चला जाता है वो। लेकिन स्टिल अच्छा अभी, लेकिन इस पे आने से पहले हमने जो ये समझा ना कि कहाँ तक हाथ पहुँच जाता है, इससे हमने सीखा क्या? आई एम नॉट श्योर कि आपने वो गेट की है वो बात, या नहीं भाई मेरा हाथ जहाँ तक पहुँच रहा है इससे क्या ताल्लुक है, मतलब एज अ वेब डेवलपर मैं क्या करूँ? हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी वो उसी रेंज के अंदर होंगी ना तो ईजिली इस्तेमाल होगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जितनी भी होंगी, जो मिसाल के तौर पर अगर एक ईजी लोड की ऐप है, या चलो एक व्हाट्सएप में जो नीचे बना हुआ होता है आपका मैसेज टाइप करने का और सेंड का बटन, वो इसीलिए उन्होंने नीचे बनाया, उसको वो टॉप पे भी रख सकते थे ना, उसको इसीलिए नीचे बनाया कि वो थंब के अप्रोच में रहे, फ़ौरन वहाँ से इस्तेमाल हो, ठीक है। इसी तरीके से आप, अभी मेरे कोई और ऐप जहन में नहीं आ रही इस तरह जिसकी मैं मिसाल आपको दूँ, हाँ अगर मैं इन ड्राइव की ऐप अगर ओपन करता हूँ तो इसमें भी सारा कंट्रोल ना नीचे वाले हिस्से पे होता है। हाँ, इसमें भी सारा कंट्रोल नीचे होता है कि जी आप ना, अबे खुल जा भाई, बेइज्जती करवा रहे हैं। हाँ ये आप देखें, इसमें जो सारा कंट्रोल है ना ये मेरे थंब के अप्रोच के अंदर अंदर है। तो इसका ख़ास ख्याल रखा जाता है मोबाइल ऐप्स के अंदर कि जी आप जब ऐप बनाते हैं ना तो आप कोई ऐसा बटन, अच्छा ये हमें पता कैसे लगता है कि कौन सा बटन ज़्यादा यूज़ हो रहा है कौन सा कम हो रहा है, वो एनालिटिक्स से पता लगता है। गूगल एनालिटिक्स करके एक लाइब्रेरी मौजूद है, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, तो हम वो एनालिटिक्स की जो लाइब्रेरी है वो अटैच कर देते हैं अपनी ऐप के अंदर। अभी वो हमने सीखा नहीं है, वो इंशाल्लाह सीखेंगे कभी ना कभी। तो वो हमें बता रहा होता है कि जी कौन सा बटन ना सबसे ज़्यादा क्लिक होता है, कौन सा बटन सबसे ज़्यादा क्लिक होता है। तो वो सारे बटन हमें पता होते हैं एक्चुअली, जो हमारे फ़ोन, जो हमारी ऐप की मेजर फंक्शनैलिटी है वो हमें पता होती है। मिसाल के तौर पे जो टिकटॉक के अंदर, जो अगर मैं टिकटॉक की मिसाल लूँ तो उसमें बटन्स जो हैं सारे के सारे, वो सारे भी इसी, अभी मुझे अच्छी एग्जांपल आ गई ना जहन में, टिकटॉक है ना 5th जनरेशन वॉरफेयर वॉर मशीन है। आ जाओ, ठीक है। अब ये आप देखें, अच्छा ये आप देखें, इसके जो सारे कंट्रोल्स है ना, यहाँ पे लाइन से बटन है, जो ये लाइक का, कमेंट का, और ये मार्क पता नहीं है, ये देखो मेरे यहीं से थंब शुरू होता है, यहाँ से शुरू है, और
इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बटन है ना वो क्या है, वो ये स्वाइप है कि बस ऐसे आप, अभी मैं स्वाइप नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती हैं तो आपका ध्यान इधर उधर ना हो जाए, सही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेनली इस्तेमाल होने वाला बटन है ना वो स्वाइप है, स्वाइप अप स्वाइप अप स्वाइप अप कर रहे होते हैं बंदे, तो स्वाइप अप को उन्होंने ऐसा रखा है ना कि पूरी स्क्रीन पे कहीं पे भी किसी भी स्वाइप कर लो आप, तो ईजी टू यूज़ है बड़ा। और स्वाइप करने में ज़रा वो क्या उसको बोलते हैं ASMR भी है कि भाई स्वाइप करते करते अच्छा लगता है, ठीक है। इसी तरीके से जो ये कमेंट्स वगैरह इसके अंदर है और जो ये क्या लिखा हुआ है, जो बंदे का नाम लिखा हुआ है और नॉट इंटरेस्टेड और फॉलो बैक इस तरह करके लिखा हुआ है, तो उसमें भी क्या है वो भी मेरे ना थंब के अंदर है। अच्छा, नेविगेशन जो है वो बॉटम पे है, नेविगेशन सारी बॉटम के ऊपर है ना, कि मैं किसी भी बटन पे ऐसे क्लिक करूँगा ना तो मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ ऐसे ना, नीचे नेविगेशन सारी बॉटम पे। अच्छा, अब एक कंट्रोल है मेरे पास ऊपर, वो क्या है कंट्रोल, एक फॉर यू है, फॉलोइंग है और सिटी है, पेशावर मैंने सेट किया हुआ है, ये तीन कंट्रोल है। अब उसके लिए मुझे अपना थंब ऊपर लेके जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, वो यहाँ से यूँ स्क्रॉल होगा, ठीक है। बस ये मसला है ना इसका, जब भी मैं इसको बोलता हूँ कि ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की ना ये वॉर मशीन है। तो आपने ये देखा कि ऐप आपको मैंने खोल के दिखाई, इसका सारा का सारा कंट्रोल ना वन हैंड यूज़ है, मुझे दूसरा हाथ टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। मैं ज़रा मोहताद होकर स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहा था, बड़ा स्मूथ चलता है वरना ये अदरवाइज़ ना इसमें, तो ऐसा इसको यूज़र एक्सपीरियंस को मेंटेन किया हुआ इन्होंने कि वन हैंडेड सारा यूज़ हो जाता है। तो ये आपने समझा कि जी वो जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है, जो टच एरिया बनता है वो मेरे लिए क्यों यूज़फुल है, ये डिज़ाइन लेवल की बात है कि बाय डिज़ाइन मुझे सारी की सारी चीज़ों को उन्हीं जगहों पे एडजस्ट करना है। बाकी डिस्प्ले मेरे पास मौजूद है, बाकी डिस्प्ले पे मैं चीज़ें दिखा ज़रूर सकता हूँ, लेकिन कंट्रोल्स मैंने वहीं देने जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच जाता है। तो ये एक हमने डायनेमिक देख लिया कि जी वो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर ना ये डायनेमिक्स हैं। अब आ जाते हैं जी हम इस लैपटॉप वाले और बड़े मॉनिटर छोटे मॉनिटर के ऊपर हम आ जाते हैं। इस पे ये वाला मसला तो नहीं है, मेरा कर्सर वर्सा तो पहुंच जाता है हर जगह, लेकिन स्टिल कुछ जगहों पे ना माउस ले जाने की ना बंदे को आदत होती है, ठीक है, और वहाँ पे माउस बड़े आसानी से जाता है, कुछ जगहों पे माउस ले जाना ज़रा मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, ये क्लोज का जो बटन है ना ये वाला, तो इसके ऊपर ना माउस ले जाना बड़ा मुश्किल है, ये बिल्कुल छोटा सा बटन होता है। अच्छा, जब मैं शुरू मूव हुआ था इसके ऊपर मैक के ऊपर, तो मैं इसको बटन से क्लिक करने की कोशिश करता था, हालांकि ये बटन इन्होंने क्लिक करने के लिए बनाया ही नहीं है, इन्होंने बोला कि भाई आप शॉर्टकट यूज़ करो, जैसे कि कंट्रोल W या कंट्रोल Q से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ तो वो ज़्यादा सही रहता है। अच्छा, तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में, अच्छा विंडोज़ में ये वाला क्लोज का बटन होता है राइट साइड पर, विंडोज़ में उन्होंने ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है कि जी आप माउस से क्लिक करके उसको बंद कर दो, क्यों, अगर आप बिल्कुल टॉप राइट पे लेके जाते हो अगर स्क्रीन के, आप बिल्कुल कर्सर को यहाँ लेके जाते हो अगर यूँ ऐसे करके, तो वो सीधा क्लोज के बटन पे ही आता है और क्लिक करते हो तो वो बंद हो जाता है, तो वो माउस से क्लिक करने के हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है उन्होंने। तो ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, हमारा जो स्क्रीन है वो थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, और उस बुनियाद पर जो यूज़र इस्तेमाल करने वाला है उसकी जो आदत होती है ना माउस के ऊपर जो हाथ चलता है जो उसका, वो थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ों की उसकी आदत हो जाती है। प्लस ये कि कुछ वेब एप्लीकेशन जैसे कि गूगल, जैसे कि जीमेल वगैरह, ठीक है, अब आप देखें इस स्क्रीन के ऊपर जो मेरे जो प्रोफाइल पिक्चर आ रही है वो आ रही है टॉप राइट के ऊपर। अच्छा, ये टॉप राइट पे क्यों है, ये टॉप राइट पे क्यों है, ये टॉप लेफ्ट पे भी हो सकती थी। अच्छा, मैं कोई और ऐप खोलूँगा अभी जीमेल वगैरह, तो उसके ऊपर भी क्या होगा, ये इसी जगह पर होगा। चलो AI टू ट्रैवल करके एक वेबसाइट है उसको खोलते हैं, इसमें भी आप देखें क्या होगा कि लॉगिन जो हुआ हूँ मैं वो इस जगह पे आ रहा है। अच्छा, और इधर जो है वो कंपनी का लोगो आ रहा है, इसमें गूगल में भी यही था, इधर कंपनी का लोगो आ रहा होता था। तो कुछ इस तरह की चीज़ें वो सेम होती हैं वेबसाइट में ना, ये क्या चक्कर है, ये भी यूज़र एक्सपीरियंस से और डिज़ाइन से इसका ताल्लुक है, क्योंकि अब वो वाला तो चक्कर है नहीं कि कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो लोगों ने सेट कर दिया है, मिसाल के तौर पे जब भी मैंने लॉग आउट करना होता है तो ऑटोमेटिकली जो मेरा दिमाग है ना वो कर्सर को टॉप राइट पे लेके जाता है और यहाँ क्लिक करता है जब भी लॉग आउट करना होता है। अभी आप इंशाल्लाह इस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिएगा, आपको पता लग गया ना, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता जब भी करेंगे तो ये आपको याद आएगा जी।
अच्छा, सर्च बार जो होता है वो दरमियान में रखते हैं, ये देख रहे हो सर्च बार दरमियान में होता है। इसमें भी सर्च बार किया है दरमियान में, या तो टॉप पे होगा दरमियान में, या तो सेंटर में होगा दरमियान में, बॉटम पे नहीं होता। आमतौर पे सर्च बार बॉटम पे नहीं होता, टॉप या दरमियान में ही होता है स्क्रीन के। अच्छा, तो इस तरह की यूज़र एक्सपीरियंस की भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ये सारा का सारा मामला क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब असल प्रॉब्लम अब आता है, ये तो हमने ब्रीफली थोड़ा थोड़ा देख लिया कि मोबाइल पर यूज़र एक्सपीरियंस किया है, डेस्कटॉप पर किया है। ये डेस्कटॉप वाला समझ गया ना यूज़र एक्सपीरियंस का क्या चक्कर है, क्या समझे बताओ। नहीं, मुझे खड़े होकर एक्सप्लेन करो क्या समझ आया डेस्कटॉप के ऊपर जो मैंने यूज़र एक्सपीरियंस वाली बात की, वो क्या समझ आई। एकदम ब्लैंक हो गया। सही है, हमें बहुत सारी चीज़ों की आदत है। अच्छा, ये यूज़र एक्सपीरियंस के ना असल में दो पार्ट होते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। नंबर एक तो पार्ट होता है कि जी, जैसे मिसाल के तौर पे गाड़ी होती है ना, गाड़ी के अंदर जो क्लच और एक्सेलरेटर होता है उसकी जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, कि राइट मोस्ट के ऊपर जो वो एक्सेलरेटर होता है, फिर दरमियान में जो वो ब्रेक होता है, और लेफ्ट मोस्ट के ऊपर क्लच होता है अगर है गाड़ी में तो। आजकल क्लच ऑटोमेटिक क्लच आता है गाड़ी के अंदर आजकल, तो वो सीक्वेंस कोई भी चेंज नहीं करता, समझ रहे हो। वो सीक्वेंस हालांकि चेंज किया जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है वो बहुत बड़ा, उसको चेंज किया जा सकता है। इसी तरह जो गियर होता है उसकी जो प्लेसमेंट है वो मोर और लेस एक ही जगह पर है तमाम गाड़ियों में, ठीक है, उसको आमतौर पर वो चेंज नहीं करते, ठीक है। इसी तरीके से जो साइड मिरर्स होते हैं उसकी जो जगह है, उसकी जो कुछ इस तरह की निशानियाँ होती हैं कि भाई फ्रंट पे आप देख रहे हो तो दो व्हील किधर हैं, तो उसके लिए बकायदा वाइपर का जो नॉब है ना वो एक सर्टेन जगह पे लगाया जाता है, ताकि उसको देख के बंदे को पता लगे अच्छा टायर मेरा किस जगह पर है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी ने की थी पता नहीं 100 साल पहले, और वो आज तक उसी तरह हो रही है, उसको वो चेंज नहीं करते, ठीक है। अगर इसको चेंज करेंगे, अगर ब्रेक और एक्सेलेटर के सीक्वेंस को अगर चेंज कर दिया किसी ने कि नहीं यार मैं ये समझता हूँ कि बंदे उल्टे पैर में ज़्यादा ताकत होती है ब्रेक मारने के लिए, और जो कि बात सही है, उल्टे पैर में बंदे की ज़्यादा जान होती है, तो क्या कहते हैं, लेकिन वो अगर उल्टा पैर हम रेस्ट करवाते हैं, हम कहते हैं रेस्ट करो आप, सही है, उल्टे पैर पे कोई कंट्रोल नहीं होता, जो नई वाली गाड़ी है सारा कंट्रोल सीधे पैर पे होता है। नहीं, वो तो तुम्हें आदत है ना सीधे पैर से किक मारने की, इसलिए। लेकिन उल्टे पैर में भी अच्छी खासी जान होती है भाई, उल्टे पैर में जान इसलिए होती है कि उल्टा पैर में प्रिसिशन नहीं होता, प्रिसिशन नहीं होता तो जब आप लात घुमाते हैं ना तो वो घूमती है, जो वो कहते हैं ना उल्टे हाथ का तमाचा, सुनते हो ना मुहावरा, कहते हैं ना उल्टे हाथ का तमाचा, उल्टे हाथ में बहुत जान होती है भाई। तो वेल, लेकिन भाई हमारा इस्लाम कहता है कि तमाचा मारना तो सीधे हाथ से मारो। हाँ नहीं, सही बता रहा हूँ, ये हमारे यानी इस्लाम में चीज़ों को इस तरह वो किया हुआ है ना कि जी सीधे हाथ से करने के काम अलग किए हुए, उल्टे हाथ से करने के काम अलग किए हुए, ठीक है। खाना खाना है, पानी पीना है, सीधे हाथ से, कोई ट्रांजेक्शन करनी है, लेन देन करनी है, सीधे हाथ से। इसी तरह जो आपने रुमाल यूज़ करना है वो आपने लेफ्ट जेब में रखना होता है, और उल्टे हाथ से आप उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारे गंदे काम उल्टे हाथ से करते हैं आप, तो वो अलग अलग किए हुए आपने ना, तो ये एक मतलब एक समझ लें आप लाइफ का एक हाँ। नहीं, चमाट मारना अच्छा काम तो नहीं है, खैर कहीं पर अच्छा हो भी सकता है, लेकिन हैं किस नहीं खैर, वो तो मैं मजाक से कह रहा हूँ कि चमाट सीधे हाथ से मारना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेहतर ये है कि भाई माफ़ कर दे बंदा, सही है, होता है कभी बंदे को बुरी लग जाती है कोई बात। नहीं, उस पर तो जंग के रूल अप्लाई होते हैं ना, वो तो देखो इस्लाम के अंदर जो जंग के जो रूल रेगुलेशंस हैं वो अलग हैं, और जो अमन के रूल रेगुलेशंस हैं वो अलग हैं। ये अक्सर हमारे मौलवी भी ना बहुत सारे उस चीज़ों को मिक्स कर देते हैं कभी कभी ना, ज़रा अपनी बात को वो करने के लिए ना, तो लेकिन जंग के जो अहकाम हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और जो अमन के जो अहकाम हैं वो अलग हैं। मिसाल के तौर पे जंग के मौके पे मूछें बढ़ाने का भी हुक्म है, और बाल बढ़ाने का भी हुक्म है, सही है, ताकि बंदा ज़रा हैबत लगे सामने वाले को, ठीक है। जंग में झूठ बोलना भी जायज़ है, ये आपको कभी कोई मौलवी नहीं बताता, ठीक है। जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म दिया है झूठ बोलने का,
क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे आप गए और आपको पकड़ लिया दुश्मन ने और आपसे स्ट्रेटजी पूछ रहे हैं वो कि बच्चा बताओ तुम्हारे बंदे किधर से आ रहे हैं, और अगर उसने सच सच बता दिया तो गेम उतर जाएगी फिर। तो वहाँ पे आप सल्लम ने ख़ुद हुक्म दिया कि भाई आप झूठ बोल दो। वो जासूसी की बात हो रही है, जासूस या जो वैसे भी सिपाही पकड़ लिया अगर, तो उसको झूठ बोलने का हुक्म है, ठीक है। तो वो अलग अलग है मामला। वेल, हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जी जो डेस्कटॉप के ऊपर ना, हाँ, यूज़र एक्सपीरियंस जो है, एक तो होता है कि पुराना जो एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज़ करते हैं। आप जो पुराने वाले छोटे फ़ोन होते थे उसमें कॉल रिसीव करने का बटन हरे रंग का होता था और हमेशा वो लेफ़्ट पे होता था, आपका हाथ ऑटोमेटिकली हमेशा ग्रीन बटन पे जाता था, क्योंकि आप सब लोग जो बैठे हैं आपने वो फ़ोन देखा होगा, ठीक है। इतने नए ज़माने के आप में से कोई भी नहीं है यहाँ। अच्छा, अरे तुम अभी तक रखा हुआ तुमने, गुड यार, क्या बात। और हमेशा जो कॉल कट करने वाला बटन है वो राइट के ऊपर होता था और उसका कलर रेड होता था। दैट वाज अ यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। उसको कोई भी चेंज नहीं करता था, उसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता था। अभी भी जितने फ़ोन हैं उसमें सारा कुछ यही है। इवन अगर अभी भी टच स्क्रीन पे जो है ना कॉल रिसीव करने का बटन ग्रीन उन्होंने बनाया होता, तो पुराने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करते हैं। कि आपने अगर गाड़ी चलाना पहले से सीखी हुई है और अब आपने कोई नई गाड़ी ख़रीदी है, तो ऐसा ना हो कि आपको दोबारा से सीखना पड़े गाड़ी चलाना, जो पहले से सीखा हुआ है वो यूटिलाइज़ हो। और दूसरा ये होता है कि एलिमेंट ऑफ प्लेजर होता है। एक तो एक्सपीरियंस हो गया पुराना, यूज़र एक्सपीरियंस का पहला पार्ट। दूसरा जो होता है वो एलिमेंट ऑफ प्लेजर होता है, सही है। कि आप गाड़ी चलाना तो जानता है, वो सब कुछ है, पुरानी पहले भी गाड़ी थी अभी भी है, अब तो नई वाली में क्या फ़र्क हुआ। तो नई वाली में जो है ना वो ज़रा सा प्लेजर का एक एलिमेंट ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर उसका साउंड वगैरह थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। 1-5 में जो करते हो ना, बुम बुम बुम, मज़ा आता है, आता है ना मज़ा, वो इत्तफाक से नहीं हुआ है। उन्होंने जानबूझ के उस तरह का साउंड डिज़ाइन किया है जो आपको अच्छा लगे, ताकि जब आप उसको ड्राइव करें तो आपको मज़ा आए, ठीक है। इसी अभी इवन जो नई वाली गाड़ियाँ हैं जो, वो तो सारी इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी की कोई आवाज़ थोड़ी होती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी की कोई आवाज़ नहीं होती। प्रियस जो है हमारे पास बहुत कॉमन है यहाँ पे, एक्वा प्रियस है, ये इनकी कोई आवाज़ नहीं होती। आप अंदर बैठेंगे, इसकी गाड़ी स्टार्ट या ऑफ है आपको पता थोड़ी लगेगा, आप बस एक्सेलेटर दबाते हैं वो चलती है। लेकिन जो बाहर खड़ा हुआ बंदा है उसको आवाज़ आती है, और अंदर बैठे हुए बंदे को भी ना, जो और नई वाली है, प्रियस वगैरह में तो ये शशके नहीं है, लेकिन जो नई वाली है, जो ऑडी वगैरह है हमारे, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उसमें अंदर उन्होंने स्पीकर लगाया हुआ भाई बकायदा, और जितना आप एक्सेलरेट करते हैं ना उसमें वो आर्टिफिशियली वो आपको साउंड एक सुनाता है। वो अभी उन्होंने भी, जीटी वालों ने भी निकाल दिया ना, जो क्या है ये, जो जो दो घोड़े बने हुए होते हैं, क्या नाम है उसका, मस्तंग नहीं, मस्तंग है, मस्तंग की जो कंपनी है उसका क्या नाम है, फोर्ड, फोर्ड की फोर्ड कंपनी है, मस्तंग उसकी गाड़ी है, ठीक है। तो मस्तंग जो है वो भाई ज़रा मैकेनिकल गाड़ी थी, ज़रा वो घूम घूम वाली गाड़ी थी, अब उन्होंने बना दी इलेक्ट्रिक। अब उनके जो पुराने चलाने वाले बच्चे थे उनको मज़ा थोड़ी आएगा, वो कहेंगे यार ये क्या हो गया, इसमें तो आवाज़ ही नहीं है कोई, ये तो यूं जा रही है। हम गुजरेंगे तो पता कैसे लगेगा कि हम गुजरे हैं भाई, गली से हम गुजरेंगे तो पता कैसे लगेगा कि हम गुजरे हैं। तो उसमें उन्होंने स्पीकर लगा दिया है बकायदा, और उसमें डिफरेंट मॉड है, स्पोर्ट्स मॉड करोगे तो आवाज़ स्पीकर से अलग आएगी, और बाहर भी लगा हुआ है अंदर भी लगा हुआ है। बाहर तो खैर अब रेगुलेशन हो गई है, जो जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उसमें बाहर स्पीकर होना ज़रूरी है, US के अंदर तो लॉ बन गया है। हमारे यहाँ का पता नहीं है अभी, हमारे यहाँ पर तो पता लगे, ठीक है। जब आप स्लो ड्राइव कर रहे होते हैं ना, कोई पेडिस्टन के ऊपर बंदा चल रहा है, या कोई सामने कोई दूसरी मोटरसाइकिल वगैरह पे, स्कूटी बड़ा चलाते हैं ना US में लोग, साइकिल स्कूटी और वो स्केटबोर्ड वगैरह, तो अगर स्केटबोर्ड पे कोई जा रहा है उसको पीछे से आवाज़ आएगी, अच्छा कुछ आ रहा है। वरना तो अगर उसको साउंड को आपने बंद किया हुआ है तो बंदा इधर पहुंचा होगा ना एकदम, देखिए ये क्या हो गया, गाड़ी कहाँ से आ गई, तो बहुत साइलेंट है, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है। तो एक एलिमेंट ऑफ प्लेजर जो है ना कहीं हर प्रोडक्ट के अंदर आपको दिखेगा कि वो उसमें ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कोई गाड़ी हो, चाहे वो कोई कार हो, ठीक है, चाहे वो कोई मोबाइल डिवाइस हो, ठीक है, या कोई आप कह लें कि और क्या चीज़ होती है यार, वेल, तो जितनी भी ये आपकी जो एंड यूज़र के डिवाइसेस हैं उसके अंदर ना ये चीज़ें ये रखते हैं कि कुछ एलिमेंट ऑफ प्लेजर कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐड कर रहे होते हैं। तो हम जो वेबसाइट स्क्रीन के ऊपर हमारी चल रही होगी ना, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, उसके अंदर हमारे पास इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना होता है, इवन मोबाइल पर भी रखना होता है, ऐसा नहीं मोबाइल पर नहीं रखते हैं। कि जो प्रायर एक्सपीरियंस है वो यही है कि ज़्यादातर लोग लेफ्ट राइट के ऊपर जो है वो प्रोफाइल फ़ोटो बनाते हैं, वहाँ पर लॉग इन लॉग आउट का अकाउंट्स का हिसाब किताब होता है,
और लेफ़्ट साइड पे कंपनी का लोगो होता है मोस्टली, और दरमियान में सर्च बॉक्स होता है मोस्टली, ठीक है। फिर इसी तरह अगर किसी वेबसाइट में साइड बार आ रहा है, जैसे ये ना ये रेड कलर का जो पोर्शन मेरी स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है आपको, है ना, तो ये वाला अगर साइड बार किसी वेबसाइट के अंदर मौजूद है तो वो भी मोस्टली लेफ़्ट के ऊपर होता है, राइट पर नहीं होता वो आमतौर पर, ठीक है। अगर मैं गूगल क्लाउड की बात करूँ या फायरबेस पे जो होस्टिंग हमने करना सीखी थी उसकी मैं बात करूँ, तो उस वेबसाइट में यहाँ पे साइड बार इधर ही आ रहा होता है ना, सही है, राइट के ऊपर वो नहीं आ रहा होता। क्यों ऐसा क्यों है? यूज़र एक्सपीरियंस की वजह से। तो अब हमने ये देखा कि यार ये यूज़र एक्सपीरियंस का जो मामला है ना, वो टैबलेट मोबाइल पे बिल्कुल अलग है और डेस्कटॉप पे बिल्कुल अलग है। अब एक ही वेबसाइट को ना तोड़ मरोड़ के अगर मैं इस दो अलग अलग यूआई के ऊपर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूँगा तो दैट वुड बी अ मेस, सही है। तो अब जो नया ट्रेंड है, इन सारे मसलों को मद्देनज़र रखते हुए जो नया ट्रेंड है वो ये है कि मोबाइल और टैबलेट के लिए एक वेबसाइट होती है और मॉनिटर के लिए और लैपटॉप के लिए जो है वो एक वेबसाइट होती है, ठीक है। यानी लैपटॉप और ऑनवर्ड्स जो इसके ऊपर की स्क्रीन साइजेस हैं उसके लिए एक वेबसाइट होती है। अच्छा, उसी के अंदर रहते रहते हुए हम क्या करते हैं, उसके यूज़र एक्सपीरियंस को मैनेज करते हैं। अच्छा, कोई अगर बहुत ही क्रिटिकल किस्म की ऐप है तो उसमें फिर तीन ऐप होती है, मोबाइल की अलग, टैबलेट की अलग और डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो बिल्कुल अलग, ठीक है। लेकिन ऐसा कम होता है, मोस्टली क्या होती है, दो में ही गुजारा कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम इंस्टाग्राम की मिसाल लें तो इंस्टाग्राम जो है वो मोबाइल और टैबलेट का एक ऐप है और डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो एक दूसरी ऐप है, सही है। यानी अभी मैं मोबाइल में इंस्टॉलेबल ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, है ना, जो वेब एप्लीकेशन है ना, वेब ऐप की बात कर रहा हूँ। तो वेब एप्लीकेशन में अगर आप इंस्टाग्राम खोलते हैं मोबाइल पर और टैबलेट पर, तो उसमें एक ही ऐप खुलती है, ठीक है, जिसको एम डॉट करके वो डोनेट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आप उसको जब बड़ी स्क्रीन पे खोलते हैं तो एक वेबसाइट खुलती है जो कि वेब डॉट करके होता है मोस्टली, या सिर्फ इंस्टाग्राम डॉट कॉम करके होता है। यही सेम चीज़ फेसबुक में भी देखने को मिलेगी आपको, और ट्विटर में भी ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ट्विटर में भी क्या होता है कि एम डॉट करके जो है ना मोबाइल और टैबलेट को वो एक ही वेबसाइट उन्होंने बनाई हुई है, और डेस्कटॉप के लिए जो है वो अब तो एक्स डॉट कॉम कर दिया, ट्विटर तो ख़त्म कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो डेस्कटॉप के लिए एक अलग वेबसाइट है, सही है जी। तो ये जो बुक है ना, ये वाली बुक ज़रा उस टाइम की नहीं है, तो इसमें वो वाली बात डिस्कस नहीं हुई भी। ज़रा यार मैं ना अच्छा, तो एक तो यहाँ पे इन्होंने बात की है कि जी फिक्स विड्थ, अब आगे आ रहे हैं आपकी क्या क्या चक्कर हो सकता है। अभी रिस्पॉन्सिव तो आगे आएगा इसमें, रिस्पॉन्सिव से पहले इन्होंने बोला है कि भाई फिक्स अगर साइज़ हो ना तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि उसकी विड्थ होगी 960 पिक्सल या 1000 पिक्सल, इसके दरमियान होगी, ठीक है। और वो एक इन्होंने इस तरह से वेबसाइट डेमो बना के दिखाया हुआ है, जो एरिया डिम हुआ है ना वो स्क्रीन से बाहर गए, ठीक है, वो स्क्रॉल करने पे स्क्रीन के अंदर आएगा। तो इसने बोला यार कि जो विड्थ है ना वो 1000 पिक्सल आप रखोगे, और ये फिक्स विड्थ अगर आपने बनाना है, अगर आपने ऐसी वेबसाइट बनानी है जो किसी भी डिवाइस पे खुले और सेम विड्थ पे खुले, जो कि ऑब्वियसली एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, अगर किसी ने मोबाइल पे खोल दिया तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ रहा होगा उसके अंदर। लेकिन इन्होंने कहा कि यार फिक्स विड्थ अगर आपने बनानी है ना सीधी सीधी, तो आपने उसकी विड्थ को 1000 पिक्सल पे या 960 पिक्सल के ऊपर सेट करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, ये ना दो तरह के लेआउट बता रही है, एक है फिक्स विड्थ लेआउट कि जिसकी विड्थ फिक्स होगी कि जी 1000 पिक्सल जो है ना इसकी विड्थ है और आगे पीछे नहीं हो रही है। इसके बारे में कहते हैं कि जी फिक्स विड्थ लेआउट डिज़ाइन डू नॉट चेंज द साइज एज यूज़र इंक्रीज और डिस्क्रीज द साइज ऑफ देयर ब्राउजर विंडो, कि अगर ये वाली वेबसाइट ना बड़ी स्क्रीन पे खुले या छोटी स्क्रीन पे खुले, ये चेंज नहीं होती, ये फिक्स रहती है कि किसी भी साइज़ की स्क्रीन पे वो खुल जाए, इंक्रीज़ होगा साइज़ या डिक्रीज़ होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज इन्होंने लिखा है कि जी पिक्सल वैल्यू आर एक्यूरेट, आपको क्योंकि पता है कि मेरा बॉक्स जो है वो 1000 पिक्सल का है, तो उसके अंदर उसको 50-50 डिवाइड करना, यानी दो चीज़ों को साइड बाई साइड लगाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि आपको हमेशा पता होता है कि यार इसकी क्या मेजरमेंट्स हैं, ठीक है ना। एक एक इमेज जो आप दिखाते हैं बड़े कंट्रोल के साथ आप दिखा सकते हैं, और अगेन इसने कंट्रोल की बात की है, डिज़ाइनर हैज़ अ फार ग्रेटर कंट्रोल ओवर द अपेयरेंस एंड अपोजिशन ऑफ आइटम पेज देन अ लिक्विड लेआउट, ठीक है। लिक्विड लेआउट अभी वो आगे बताएगा, ये यू कैन कंट्रोल द लेंथ ऑफ लाइंस रिगार्डलेस ऑफ देयर साइजेस, कह रहा है कि जी
जैसे हम जब टेक्स्ट को पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि जो कोई पैराग्राफ लिखा हुआ होता है तो मोस्टली हम ये कोशिश करते हैं कि वो एटलीस्ट 3 लाइन में लिखा हुआ हो। अगर कोई ऐसा पैराग्राफ है जो 1 लाइन में लिखा हुआ आ गया और पूरी इस कोने से और उस कोने तक चला गया स्क्रीन के, तो दैट इज़ नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, कि वो 1 लाइन इतनी लंबी होती है ना, पढ़ना मुश्किल होता है उसको। तो बेहतर ये होता है मैं उसकी विड्थ को कम करता हूँ और उसको 3 लाइन पे लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे इसने वही वाली बात की है कि यार जो लाइन की जो लेंथ है ना, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ, रिगार्डलेस कि उसके अंदर ना क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि उसमें फिक्स बात लिखी हुई क्या है। वो तो मुझे पता है कि वो कितने पिक्सल उसकी विड्थ होगी तो वो 3 लाइन में हो जाएगा, कितने पिक्सल होगी तो 4 लाइन में हो जाएगा। लिक्विड डिस्प्ले में या लिक्विड लेआउट में या रिस्पॉन्सिव लेआउट में तो ये होता है स्क्रीन का साइज़ बड़ा होता है, तो वो ज़ाहिर है वो बॉक्स भी साथ साथ बड़ा होता है, तो फिर मुझे मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में उसको एक कंट्रोल वे में चलाना पड़ता है। इसमें वो मसला नहीं आता हमारे पास, ठीक है। इसी तरह कुछ डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं। इसने कहा कि इफ़ यूज़र स्क्रीन इज़ मच लार्जर रेजोल्यूशन देन योर डिज़ाइनर स्क्रीन, द पेज कैन लुक स्मॉलर एंड टेक्स्ट कैन बी हार्डर टू रीड। कह रहा है कि जी अगर आप 1000 पिक्सल के हिसाब से बना दिया और किसी ने उसको 4K स्क्रीन पे खोल लिया, यानी 4000 पिक्सल वाली स्क्रीन पे खोल लिया, तो टेक्स्ट बहुत छोटा छोटा दिखेगा उसमें, ठीक है, और इमेज भी छोटी दिखेगी, ओवरऑल पूरी वेबसाइट छोटी दिखेगी और साइडों में वाइट स्पेस भी दिखेगा, तो स्क्रीन जो है वो स्क्रीन का जो एरिया है वो ज़ाया होगा। लेकिन स्टिल उस यूज़र के पास एक ऑप्शन होगा कि वो कंट्रोल प्लस दबा के वो पूरी स्क्रीन को जूम इन कर ले, ये उसके पास ऑप्शन स्टिल होता है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम बट इट इज़ अ प्रॉब्लम। इट द डिज़ाइन वर्क्स बेस्ट ऑन डिवाइस दैट देयर साइड रेजोल्यूशन सिमिलर। वेल अब ये हम क्योंकि इसको करने नहीं जा रहे फिक्स विड्थ वाला, होपफुली हम जितने भी डिज़ाइन करेंगे वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिव ही होंगे मोस्टली, तो अब इसके डिसएडवांटेजेस को इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। अच्छा यहाँ पे अब इसने एक बात बताई है लिक्विड लेआउट। अच्छा ये लिक्विड लेआउट जो है ना, ये कौन सा वाला रिस्पॉन्सिव है? ये वो वाला रिस्पॉन्सिव है कि बड़ी से ले के लैपटॉप और टैबलेट और फ़ोन, ये तीनों के ऊपर बिल्कुल लिक्विड होता है, बिल्कुल छोटा भी सही चलता है और बिल्कुल बड़े पे भी ये सही चलता है। दिस लिक्विड लेआउट इज़ नॉट रेकमेंडेड एनी मोर, ये हम रेकमेंड नहीं करते अब किसी को भी, ठीक है, कि इस तरह की कोई चीज़ बनाए। क्यों? इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इस तरह के लेआउट को बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और अगर छोटी सी चीज़ चेंज करनी पड़ जाए तो उसको तमाम डिवाइसेस पे चेक करना पड़ता है, जो एक हैक्टिक होता है अल्टीमेटली, जो है ना ये ज़रा कोड भी मैस हो जाता है। तो दिस इज़ नॉट रेकमेंडेड एनी मोर। अब जो रेकमेंडेड चीज़ है कि जी दो अलग अलग वेबसाइट बनेगी और उसके अंदर जो छोटा मोटा हम करेंगे वो मीडिया क्वेरी के साथ करेंगे। इसके अंदर ना मीडिया क्वेरी इस्तेमाल नहीं हुई भी है। लिक्विड लेआउट को अगर हम देखेंगे ना, इसमें मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, फ्लोट का इस्तेमाल किया है और जो है ना मार्जिन ऑटो करके चीज़ों को साइड बाय साइड किया है इन्होंने, इस तरह करके किया है। तो अब ये वाला जो मिसाल के तौर पे बॉक्स है, विड्थ, ग्रिड भी इस्तेमाल नहीं किया इसमें, ग्रिड तो था ही नहीं उस वक्त, ये तो बाद में फ्लैक्स बॉक्स के भी बाद आया ग्रिड। वेल तो मैं ये बता रहा था कि ये वाला जो बॉक्स है ना मेरा, अगर तो 1000 पिक्सल की स्क्रीन पर खुला है ना, तो कुछ इस तरह का दिखेगा। लिक्विड लेआउट के अंदर बात कर रहा हूँ, इसके भी डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन अगर यही वेबसाइट अगर बड़ी स्क्रीन पे खुल जाती है 4000 पिक्सल वाली पे, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या हो जाएगा, ये इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि ये पूरा टेक्स्ट 1 लाइन में आ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा ये, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है स्टिल। फिर यही वाला जो पैराग्राफ है अगर ये छोटी स्क्रीन पे खुलेगा, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ छोटी स्क्रीन ज़ाहिर है इतनी बड़ी होगी, तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक है, जो कि शायद इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि हम पैराग्राफ्स को भी लिमिट करते हैं कि यार इतना ज़्यादा छोटा ना हो, क्योंकि अब देखें ना इसके साइड पे ये बॉक्स भी बना हुआ है, तो अब अगर 400 पिक्सल की स्क्रीन पे ये खुलता है तो ये बॉक्स ही जो है वो 50-50 पिक्सल के हैं, तो पैराग्राफ को तो 100 पिक्सल ही मिलेगा विड्थ, ठीक है। रैदर हम क्या करते हैं नए वाले में, हम कहते हैं इस बॉक्स को मूव कराओ नीचे, नए वाले के अप्रोच में हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को मूव कराते हैं नीचे और हम कहते हैं पैराग्राफ को पूरी विड्थ दो, फुल विड्थ, और इस बॉक्स को नीचे मूव करा दो। तो वेल तो हम ये लिक्विड लेआउट भी हम नहीं देख रहे हैं, हम वो फ्लैक्स बॉक्स वाला लेआउट हम देख रहे थे। तो ये लिक्विड लेआउट को हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। अच्छा अब एक और भी चीज़ है, लेकिन ये 12 कॉलम ग्रिड, 12 कॉलम जो सिस्टम है, 12 कॉलम सिस्टम को हम अभी डिस्कस नहीं करते, ये हम नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं इसको। अभी हम यहाँ पर आकर ना ज़रा मीडिया क्वेरी को देख लेते हैं कि वो क्या भला है। लेआउट तो हमने बनाना सीख लिया है फ्लैक्स बॉक्स के साथ, जो ये लेआउट का असल में पूरा चैप्टर है, तो ये तो हमने बना लिया।
हम क्या करते हैं कि उस लेआउट वाला जो चैप्टर था ना, ये फ्लैक्स बॉक्स वाला, इसी की एक कॉपी बना लेते हैं और मैं इसको कहता हूँ कि यार 7.media query सही है। अच्छा इस ज़रा इसको खोल के भी देख लेते हैं इसमें हमने जो बनाया था वो क्या था, कॉपी पाथ और वो कुछ इस तरह की चीज़ थी जो हम बना चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा ये हमने मोबाइल के हिसाब से या टैबलेट के हिसाब से नहीं बनाया था, ये हमने डेस्कटॉप के हिसाब से बनाया था, ठीक है। अच्छा अब इसमें होता क्या है कि जब इसको स्क्रीन को मैं छोटा करता हूँ तो ये जो पिक्चर है ना ये नीचे छुप जाती है इसके, ये पिक्चर क्या होती है इसके नीचे छुप जाती है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इसको छोटा करूँ तो इस पूरे एलिमेंट की जगह ये पूरा एलिमेंट छुप जाए, हाइड हो जाए और इसकी जगह एक दूसरा एलिमेंट आ जाए जिसके अंदर ये फ़ोटो जो है वो टॉप पे हो और ये जो लिखा हुआ है ना कि वाई रेंट वेयर यू कैन ओन वो नीचे आ जाए, यानी साइड बाई साइड की जगह टॉप टू बॉटम आ जाएगी, एक दूसरा एलिमेंट आ जाए, ठीक है। या इस तरह की कोई और चीज़ करवाना चाहता हूँ मैं, मिसाल के तौर पर ये नेविगेशन बार है, मैं चाहता हूँ कि ये नेविगेशन बार हट जाए, ख़त्म हो जाए और इसकी जगह पे क्या आ जाए, अब देखो ना ये एक सर्टेन पॉइंट के बाद एक दूसरे पे चढ़ना शुरू हो जाता है, ये ब्रेक होना शुरू हो गई यहाँ पे मेरी यूआई, तो इसकी जगह एक बर्गर मेन्यू आ जाए, ठीक है। बर्गर मेन्यू जो तीन ऐसे लकीर बनी हुई आ रही है उस पर क्लिक करते हैं, मोस्टली क्या होता है वो टॉप राइट या टॉप लेफ्ट पे आपको दिख रहा होता है किसी वेबसाइट के, तो ये पूरा नेविगेशन बार हट जाए यहाँ से और इसकी जगह पे वो बर्गर मेन्यू आ जाए जिस पे मैं क्लिक करूँ तो मुझे वो वर्टिकली खुल के दिख रहा हो। अच्छा तो ये सारा काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये मीडिया क्वेरी क्या भला होती है, अभी ये जो सारी बातें मैंने बताई है ना, अब इसको कर दो साइड में, अब बिल्कुल ब्लैंक होके मीडिया क्वेरी को समझते हैं। अच्छा यार एक और मुझे दिख रहा है, ये बिगनर गाइड टू मीडिया क्वेरी, ज़रा ये डॉक्यूमेंट खोलते हैं इसमें क्या लिखा है उन्होंने। अच्छा जी तो मीडिया क्वेरी क्या चीज़ है भाई, हम जो CSS लिखते हैं, हमने एक CSS लगाई मिसाल के तौर पे इसी पेज के ऊपर, अगर मैं बात करूँ हमने एक CSS लगाई, वो किधर गया हमारा जो, ये तो हमारा हेडर है ना, ये हेडर हमने रोक दिया, ये नेविगेशन बार है। अच्छा चलो ये नेविगेशन बार पे हमने एक CSS लगाई है, इसके ऊपर मैंने क्लास लिखी है नेव एज और उसके ऊपर नेव है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ CSS लगी हुई है, आगे चल के देखते हैं इस पे क्या CSS लगाई है मैंने। यहाँ पे मैंने ये CSS लगाई है, मैंने कहा भाई डिस्प्ले फ्लेक्स हो आप और जस्टिफाई कंटेंट आपका सेंटर है, ठीक है। और इसी तरह नेव के ऊपर भी मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया और जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस अराउंड किया हुआ है, इसकी विड्थ को मैंने 80% रखा है और इसकी मैक्सिमम विड्थ को मैंने 1000 पिक्सल रखा है, ठीक है, कि मैक्सिमम 1000 पिक्सल पे ये जाए और जब छोटा हो तो मिनिमम ये 80% तक स्क्रीन के रहे, उससे ज़्यादा ये छोटा नहीं हो। तो मीडिया क्वेरी इज़ ऑल अबाउट कि इस CSS को मैं कंडीशनल कर दूँ, इस CSS को मैं क्या कर दूँ, कंडीशनल कर दूँ, मैं उस पर एक कंडीशन लगा दूँ। अच्छा कंडीशन लगा दूँ किस पे, डिपेंडिंग ऑन स्क्रीन साइज़, कि जी अगर स्क्रीन साइज़ इतना हो तो ये CSS लगा दो, इतना हो तो ये दूसरी CSS लगा दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे ना ये तो काफ़ी ज़्यादा CSS लिखी हुई है, इसमें अगर मैं बताऊँगा ना शायद वो समझ ना आए, तो मैं यहाँ पे ना एक और इंडेक्स 1 बना लेता हूँ, ठीक है। ज़रा प्लेन पे समझ लेते हैं पहले, फिर उस वेबसाइट को हमने क्या करना है जाके, उस वेबसाइट का वो पूरा कंपोनेंट हमने पलटना है। ये मैंने एक छोटा सा यहाँ पे वो बना लिया, मैंने कहा जी H1 मीडिया क्वेरी, अच्छा जी H1 हो गया, मीडिया क्वेरी हो गया, उसके बाद मैंने एक लिख दिया पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिख देते हैं या इस पर डिव बना देते हैं, डिव बना देते हैं यार, एक डिव बना देता हूँ और इस डिव के अंदर मज़ीद कुछ डब्बे बना देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार बॉक्स 1
बॉक्स टू, बॉक्स थ्री और बॉक्स फोर, ठीक है, चार बॉक्सेस बना दिए मैंने इसमें। ठीक है जी, चार बॉक्सेस बना दिए। अब आगे ज़रा इसको देख लेते हैं ये दिखने में इस वक्त कैसा है। दिखने में ये कुछ इस तरह का है, ठीक है, जो चार बॉक्सेस हैं वो दिखने में कुछ इस तरह के हैं। ऐसा क्यों दिख रहा है मुझे ये, क्योंकि मैंने इसकी विड्थ और हाइट सेट नहीं की है, तो जितना इसका कंटेंट था ये उतनी विड्थ और उतनी हाइट लेके बैठा हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके एक सीएसएस का स्टाइल लगा लेता हूँ, और सीएसएस के स्टाइल पे मैं कहता हूँ कि जी जो डॉट बॉक्स है ना उसको क्या कर दिया जाए, विड्थ उसकी कर दी जाए 100 पिक्सल, ठीक है, इसी तरह उसकी हाइट कर दी जाए 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर उसका कर दिया जाए रेड, ठीक है, बिल्कुल रेड नहीं, ज़रा रेड का एक मैं डिसेंट शेड इसको दे देता हूँ, ये इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया जाए, ठीक है। तो अब ये कुछ इस तरह से दिखने लग गए हैं। इसको मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा मार्जिन भी ले लो आप, मार्जिन ले लो आप 10 पिक्सल, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मुझे ये अब चार डब्बे दिखना शुरू हो गए, ठीक है, और इन चार डब्बों को मैं कहता हूँ कि जी आपका जो पेरेंट है ना, इसका पेरेंट कौन था, ये क्लास पेरेंट, ठीक है, पेरेंट मैंने इसके क्लास का नाम रख दिया। इसको पेरेंट को मैं कहता हूँ कि जी आप क्या हो जाओ, फ्लैक्स बॉक्स हो जाओ, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे ही डिस्प्ले फ्लैक्स करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, साइड बाई साइड आ जाता है। अच्छा, अब क्या होता है, अगर मेरी स्क्रीन का साइज़ चेंज होता है तो ये रैप नहीं होता है, ये क्या होता है, एक दूसरे को प्रेस करने की कोशिश करता है, एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करता है। अच्छा, ये मैं वो रिवाइज़ कर रहा हूँ जो लास्ट हम पढ़ चुके थे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ फ्लैक्स रैप, और मैं कह देता हूँ कि जी रैप, फ्लैक्स रैप इक्वल्स टू रैप। अब क्या होगा, जब स्क्रीन का साइज़ छोटा होगा तो ये एक दूसरे के नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इतना तो हमने पहले पढ़ लिया था कि जी फ्लैक्स रैप होगा हमारे पास। अच्छा, हम ज़रा अब स्क्रीन साइजेस की जो बात हो रही थी ना वो यहाँ पे भी देख लेते हैं, क्योंकि बुक में तो उन्होंने बोला आईफोन 4 है सबसे छोटा मोबाइल, यानी सबसे बड़ा मोबाइल उस वक्त, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है ना। तो मैं क्या करूँगा, गूगल क्रोम पर इसके ऊपर आगे क्लिक करूँगा मैं, ठीक है, इस बटन पर क्लिक करते ही मेरे पास ये वाला मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू के ऊपर अगर आप यहाँ पर हाथ रखेंगे तो आपको ये क्या लिखा हुआ आता है, मोबाइल स्मॉल, और विड्थ इसकी है 320 पिक्सल। इस 2023 के अंदर मोबाइल स्मॉल कैटेगरी का जो मोबाइल है स्क्रीन का, उसकी 320 पिक्सल स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ तक तो मोबाइल स्मॉल है, उसके बाद यहाँ पे अगर हाथ रखते हैं आप तो मोबाइल मीडियम आ जाता है। मोबाइल मीडियम की जो विड्थ है वो 375 पिक्सल इन्होंने बताई हुई है गूगल क्रोम वालों ने, कि जी ये इतने पिक्सल ऑन एवरेज इस वक्त जितनी भी मार्केट में डिवाइसेज हैं, तो 375 पिक्सल जो है ना इसकी ऑन एवरेज विड्थ होगी। अच्छा, ये वक्त के साथ साथ चेंज भी होती है, ये हो सकता है 375 से कल को 380 हो जाए, लेकिन वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो जब भी आप ये टूल खोलेंगे तो आपको यहाँ पे वो नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ। अच्छा, तो मैं मोबाइल मीडियम पे अगर क्लिक कर देता हूँ, मैंने इस जगह पे आके मैंने क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दिया, स्क्रीन के साइज़ को उतना छोटा कर दिया जैसा ये मोबाइल मीडियम पे दिखेगा ना ऐसा दिखेगा। अच्छा, इसको मैं हाथ से थोड़ा थोड़ा भी बड़ा कर सकता हूँ, ये हाथ से भी बड़ा कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैंने अपनी वेबसाइट को तीन डिवाइसेस के ऊपर क्या करना है, रिस्पॉन्सिव करना है। एक तो मोबाइल मीडियम, तो मोबाइल मीडियम पे क्लिक किया तो ऐसा दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद टैबलेट, देखो यहाँ पे से मैं और मूव करता हूँ हाथ तो टैबलेट है, टैबलेट की विड्थ है 768 पिक्सल, इस पर मैंने क्लिक किया, टैबलेट पर मेरी स्क्रीन ऐसी दिखेगी। और उसके बाद टैबलेट के बाद मुझे शायद इस पूरी स्क्रीन को जूम आउट करना पड़ेगा। हाँ, टैबलेट के बाद मेरे पास ये आ रहा है लैपटॉप, लैपटॉप में आ रहा है 1024, इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और मैं अगर शायद और जूम आउट करूँ तो लैपटॉप लार्ज एक इसमें आ रहा होता है, ठीक है, लैपटॉप लार्ज अब देखें इसके अंदर आ रहा है, लैपटॉप लार्ज पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा। और लैपटॉप लार्ज के बाद आ रहा होगा 4K, 4K इज़ द बिगेस्ट स्क्रीन साइज़ जो यहाँ पर अवेलेबल है, 4K स्क्रीन साइज़ जो है वो बिगेस्ट है। 4K स्क्रीन साइज़ में क्या होता है, जो विड्थ होती है वो 4000 पिक्सल होती है। तो कुछ इस तरह की ये वेबसाइट मेरी दिखेगी अगर 4K पे खुल जाता है तो। अच्छा, तो मैं वापस आ जाता हूँ, इसको मोबाइल मीडियम पे लेकर आ जाता हूँ, मोबाइल मीडियम पे ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो ये हमने गूगल क्रोम का जो डेवलपर टूल था स्क्रीन साइजेस को डील करने वाला, वो हमने यहाँ पर देख लिया।
और जो पहले हम ये रैप वाला काम कर चुके थे वो भी हमने यहाँ पे कर लिया। अब मीडिया क्वेरी में और रैप के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है, वो डिफरेंस ये है कि रैप क्या करता है, वो जस्ट स्क्रीन साइज में अपने आप को एडजस्ट करता है। फ्लैक्स बॉक्स का जो पूरा वो स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन वाला जो सारा हिसाब किताब है वो क्या करता है, वो अवेलेबल स्पेस को बेस्ट फिल करने की कोशिश करता है। लेकिन जो मीडिया क्वेरी है उसका काम होता है कुछ और। अब मैं मीडिया क्वेरी के लिए नीचे एक दूसरा बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, इसी बॉक्स की ज़रा मैं एक कॉपी बनाता हूँ और मैं कह देता हूँ कि जी पेरेंट वन, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ सबको कि बॉक्स वन और। ठीक है, ये मैंने एक डिफरेंट बात कर दी यहाँ। अच्छा, पेरेंट वन के ऊपर अब मैं क्या सीएसएस लगाता हूँ, और मैं चलो बॉक्स के ऊपर तो स्टिल मैं यही वाली सीएसएस लगाऊंगा, बॉक्स को तो मैंने जस्ट चकोर करके दिखाना है, दैट्स इट। तो शायद मुझे बॉक्सेस को रीनेम करने की ज़रूरत नहीं थी, वेल जस्ट फॉर सेपरेशन ऑफ कंसर्न इन दोनों को मैंने यहाँ पे सेपरेट लिखा है। ठीक है जी, बॉक्स वन। अच्छा, अब की बार मैं पेरेंट को क्या कहता हूँ कि यार आपकी ना एक सर्टन विड्थ होगी, आपकी क्या होगी, एक सर्टन विड्थ होगी। ठीक है, मैंने कहा कि जी आपकी जो विड्थ है ना वो क्या होगी, 600 पिक्सल होगी। आपकी जो विड्थ होगी वो 600 पिक्सल होगी और इन तमाम की जो विड्थ है वो क्या है, 100 पिक्सल है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 600 पिक्सल का एक बॉक्स है, बड़ा बॉक्स, उसके अंदर जो है वो 100 पिक्सल के कितने डब्बे हैं, चार डब्बे हैं। तो मेरे पास टोटल जो नीचे डब्बे हैं वो 400 पिक्सल वाले हैं और मेरे पास जगह अवेलेबल जो है वो 600 पिक्सल है। मैं पेरेंट को भी ज़रा कोई कलर दे देता हूँ ताकि पेरेंट भी दिखता रहे कि कहाँ से कहाँ तक जो है ना पेरेंट मुझे दिख रहा है। इसको मैं कह देता हूँ कि जी आप येलो हो जाओ, सही है, येलो का मैं ये वाला शेड ले लेता हूँ। अभी मैं मोबाइल डिवाइस को ज़रा ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, अब देखो होता क्या है कि मेरे पास जो ये वाला बॉक्स है ना, अच्छा ये साइड बाय साइड नहीं है, इसको साइड बाय साइड लाने के लिए ज़रा मैं डिस्प्ले फ्लैक्स करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, साइड बाय साइड लेकर आ गया। अच्छा, अब नोट करें होता क्या है, मेरा जो पेरेंट है ना उसकी एक विड्थ है, फिक्स विड्थ है उसकी, ठीक है, उसकी एक क्या है, एक फिक्स विड्थ है। तो मैं जब स्क्रीन को छोटा बड़ा करता हूँ तो वो हिलता ही नहीं है अपनी जगह से। उसको मैंने ना ये बोला है कि फ्लैक्स हो जाओ, ना रैप हो जाओ ये बोला है, ना मैंने कुछ बोला है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ये कर सकता हूँ कि इसकी विड्थ को ना, डिपेंडिंग ऑन कि मेरे स्क्रीन का साइज़ क्या है, इसकी विड्थ को मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन टू कीप इट सिंपल, उससे पहले मैं ये करता हूँ कि ज़रा ये तो देख लूँ कंडीशनल सीएसएस लगती कैसे। तो मैं आता हूँ इस पेरेंट के ऊपर और इस पेरेंट के ऊपर आके जो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है ना, बैकग्राउंड कलर जो मैंने दिया है, मैं इसमें तीन बैकग्राउंड कलर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब आप मोबाइल डिवाइस पर हो तो एक अलग बैकग्राउंड कलर आ रहा हो, जब आप टैबलेट पर जाओ तो एक अलग आ रहा हो, और जब आप डेस्कटॉप पर चले जाओ तो एक अलग बैकग्राउंड कलर आ रहा हो। वंस हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना सीख गए तो फिर कंडीशनल हम कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आओ ज़रा, और यहाँ पे मीडिया क्वेरी के अंदर जो इनका जो पहला है ना, ये वाला, ठीक है, कुछ इस तरह से ये काम हो रहा होगा मेरे पास कि ये जो पेरेंट वन है ना, इस पेरेंट वन को मैं क्या देता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर में इसको रेड देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि मेरी जो मोबाइल वाली स्क्रीन है ना उसका क्या साइज़ था, मोबाइल वाली स्क्रीन का, मोबाइल मीडियम जो है ना 375 पिक्सल अगर हो ना, 375 पिक्सल अगर हो या उससे कम हो, यानी मोबाइल मीडियम वाले रेंज में हूँ मैं, तो मैं क्या कर दूँ, इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो कर देता हूँ मैं 375 पिक्सल अगर हो ना ये विड्थ, तो बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड, ठीक है। अच्छा, ये विड्थ भी है इसमें, इसमें मैक्स विड्थ भी है, दोनों को ज़रा बारी बारी हम लगा के देखते हैं कि दोनों का बिहेवियर क्या है। अच्छा, आप नोट करें इसमें किया हुआ क्या है, ये वाली सीएसएस मैंने डायरेक्ट लिखी है रूट पर, लेकिन ये वाली जो सीएसएस है ये बिल्कुल इसी तरह लिखी गई है,
देखें आप इस पर सेलेक्टर लगा हुआ है, इसके बाद ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट क्लोज है, और बीच में ये CSS का रूल लगा हुआ है। अच्छा, एक रूल लगा हुआ है, मैं 2, 3, 4 जितने रूल चाहूँ यहाँ पे लगा सकता हूँ, लेकिन ये सारा का सारा जो आइटम है ये किस में इनक्लोज हुआ हुआ है, एट द रेट मीडिया के ना एक आप समझ लें कि सराउंडिंग में इनक्लोज हुआ हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है एट द रेट मीडिया स्क्रीन एंड उसकी विड्थ जो है वो 375 पिक्सल। अभी इसका एक सर्टन सिंटेक्स है जो इन्होंने डिवाइस किया हुआ है इसको, आप लाइब्रेरी नहीं है ये, इसके अंदर बिल्ट इन कमांड है, ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जैसे ही, और मैं स्क्रीन के साइज़ को जब चेंज करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता, ये क्या चक्कर है? ओ यस, ये नीचे लगेगी, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि CSS में जो कैस्केडिंग रूल है वो ये होता है कि जो बाद में आता है उसको वो ले रहा होता है। नहीं यार, कुछ और गड़बड़ भी की है हमने, क्या गड़बड़ कर दी? ओ नहीं, वो एक्चुअली हुआ पता है क्या है, वो हमने इसमें विड्थ लगाया ना तो वो एग्जैक्टली 375 पे वो चल रहा है। जब एग्जैक्टली विड्थ 375 है ना, जब ये चल रहा है, इसके लिए एक चीज़ होती है मैक्स विड्थ, इसी के नीचे इन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है मैक्स विड्थ, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, विड्थ, इसका मतलब है विड्थ तो हम कभी भी नहीं लगाएंगे ना, हमेशा मैक्स विड्थ लगाएंगे, और मिन विड्थ भी लगा सकते हैं इसकी जगह। आ जाओ अब ज़रा इसको चेक करते हैं क्या हुआ है इसका। अब क्या होता है कि मेरा जो स्क्रीन साइज़ है वो जब छोटा होता है, किससे छोटा होता है, 375 से, तो ये अप्लाई हो जाता है, जैसे ही इससे बड़ा होता है ना तो वो फिर अप्लाई होना बंद हो जाता है। तो मैंने क्या कर दिया, मोबाइल डिवाइस के ऊपर ना एक सर्टन CSS लगा दी है जो मोबाइल डिवाइस या उससे छोटी स्क्रीन पे काम करता है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने लगाना है टैबलेट वाले पे, टैबलेट वाला जो है साइज़ वो 768 पिक्सल है। अब मैं कहता हूँ जब तक ये टैबलेट पे रहे ना, यानी मोबाइल से बड़ा और टैबलेट से छोटा, यानी एक रेंज हो गई ना मेरी, इसके दरमियान रहे ना, तो एक डिफरेंट मुझे कलर दिखाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी के नीचे आके मैक्स विड्थ कहता हूँ, क्या था, 768, मैं कहता हूँ जी 768 पिक्सल। और मैं कहता हूँ कि यार जब आपका ये वाला हो ना तो आप क्या कर दो, इसको ब्लू कर दो, ठीक है, इसको ब्लू करवा दिया मैंने। रिफ्रेश करता हूँ मैं तो आप देखें, जैसे ही मैं मोबाइल मीडियम पे जाता हूँ, यार ये ब्लू तो सब पे अप्लाई हो गया, वो मोबाइल वाला जो ओवरराइट हो गया, मोबाइल वाला क्या हो गया, वो ओवरराइट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैक्स विड्थ लिखा है ना 768, तो इसका मतलब है कि 768 से कम कम जितनी विड्थ है सब पे ही अप्लाई होगा, और ये रूल आया है बाद में, ये वाला रूल पहले और ये वाला रूल बाद में। नीचे लाने तो शायद सही हो जाए, लेकिन इसके लिए हमारे पास ना वो रेंज का भी हिसाब किताब उसमें है कि वो हम पूरी रेंज बता देते हैं उसको। हाँ, ये साइड तो हो गया, वैसे ये वो इफ एल्स वाला हिसाब किताब हो गया, वो पूरी रेंज पे जो हम लगाते हैं। अच्छा जी, ये मोबाइल पे हमारे पे अलग CSS आ गई, टैबलेट पे अलग CSS आ गई, और टैबलेट जैसे ही क्रॉस होता है तो वो जो ओरिजिनल CSS थी वो वाली आ गई। अच्छा, तो ये हमारे पास ना क्या हो गया, कंडीशनल CSS लगाने का एक तरीका मौजूद है ना। अच्छा, इसको हम किस पे बेस कर रहे हैं, स्क्रीन के साइज़ के ऊपर, कि जी स्क्रीन का साइज़ इतना हो तो ये CSS लगा दो, अगर स्क्रीन का साइज़ इतना हो तो ये वाली CSS लगा दो, और अगर कुछ भी ना हो तो जो लगा हुआ है वो वाला लगेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं, ज़रा मज़ीद देख लेते हैं और क्या क्या कंट्रोल मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसमें मैक्स विड्थ है, मिन विड्थ है, ये दोनों हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी शायद मैं दे पाऊँ इसमें। ठीक है, ऐसे एंड एंड लगा के ना मैं इसमें कॉम्बिनेशन भी दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ यार मिन विड्थ अगर 600 हो और मैक्स विड्थ जो है वो इतनी हो तो इसको लगाओ। अब ज़रा आके ना हम ये वाला काम कर लेते हैं, इसको मैं वापस अपनी जगह पे लगाता हूँ। हाँ बोलो बोलो। पाँच मिनट ऊपर हुए हैं अभी, तो 6 बजा भी नहीं है, 6:05 हुए हैं, बस कोचिंग जाना है पहले, जल्दी से करते हैं, रुक जाओ कुछ करते हैं तुम्हारा भी। अच्छा यार, इधर देखो जल्दी से, हमने इसको कंप्लीट करना है।
हमने कहा कि जी फॉर मोबाइल और फॉर टैबलेट है ये वाला, फॉर टैबलेट, और इसको हम यहाँ कह देते हैं कि जी फॉर मोबाइल। सही है, फॉर मोबाइल पे मैंने जस्ट कहा है कि मैक्सिमम विर्थ, और टैबलेट वाले पे मैंने कहा है कि यार मिनिमम विर्थ ना 375 होनी चाहिए, इससे नीचे पे अप्लाई नहीं करना आपने, ठीक है। 375 से लेके और ये मैंने यहाँ तक लगाया है। तो पहले तो मैंने इसको ऊपर नीचे किया था तो ये सेट हो गया था ना, लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको काम करना चाहिए। ये मैं टैबलेट पे आया और ये मैं आ गया मोबाइल पे, ठीक है। लेकिन इसको मैं अगर अब चेंज भी कर दूँ ना, इसको काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने अब मिनिमम मैक्सिमम दोनों की रेंज इसमें बता दी है, ठीक है। मैंने कहा मिन इतना हो और मैक्स इतना हो जब ये ब्लू कलर अप्लाई हो। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये मैं टैबलेट पे आ गया और ये मैं अगेन मोबाइल पे चला गया, ठीक है। तो ये कंडीशनल सीएसएस लग गई है। अब ये कंडीशनल सीएसएस जो है ये सिर्फ बैकग्राउंड कलर या फॉन्ट का साइज़ चेंज करने के लिए नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था कि मीडिया क्वेरी के ज़रिए आप ये जैसे खुली हुई है ना हमारे पास ये वेबसाइट, अब अगर ये वेबसाइट छोटी होती है तो ये पूरा का पूरा नेविगेशन बार मैं गायब करा दूं और इसकी जगह मैं एक दूसरा एलिमेंट शो करवा दूं, तो ये काम मैं कैसे करूंगा? मीडिया क्वेरी के ज़रिए ये काम मुझे कैसे करना पड़ेगा? ये मीडिया क्वेरी ख़त्म हो गई, यहाँ पूरी हो गई। ये दो ही लाइन का कोड है जिसके लिए इतनी बड़ी तमीज थी, क्योंकि ये दो लाइन का कोड ना हज़म नहीं होता अगर मैं इतनी लंबी बात नहीं करता तो। और ये दो लाइन के कोड में लोगों की ज़िंदगी भी अदाब की हुई है। मीडिया क्वेरी पता नहीं लोग बोलते हैं यार क्या मसला है इसके अंदर इतनी। अबे भाई अभी टाइम ओवर हो गया क्लास का, ये जल्दी से मैं दो बातें करके ख़त्म करूँगा क्लास को। जल्दी से मुझे ये सोच के बताओ कि कंडीशनल सीएसएस मैं लगाने के काबिल हो गया हूँ, मैं पूरी पूरी क्लास यहाँ लगा सकता हूँ। अब मेरे पास ये अथॉरिटी आने के बाद मैंने काम क्या करना है, मैंने काम ये करना है कि स्क्रीन का साइज़ सर्टन विड्थ से कम पे जाता है, तो मैंने पूरा नेविगेशन बार गायब करा के और एक दूसरा बटन दिखाना है उसकी जगह। ये काम मैं कैसे करूँगा जल्दी से सोच के बताओ, कॉमन सेंस का सवाल है, ये सब आता है तुम लोगों को। हाँ भाई है, आप पूछो। वो सर आप एक और बनाएंगे गिफ्ट बना लो या सर वो कह लो कि बटन बना लेंगे, उसको पहले हम करा लेंगे डिस्प्ले नन और मीडिया क्वेरी में हम उसको डिस्प्ले करा लेंगे। अच्छा तुम्हें इतना पार्ट समझ आ गया ये वाला? इतना पार्ट समझ आ गया। अब इतना पार्ट हमने कर लिया है, हमने कहा फला स्क्रीन साइज़ हो तो ये सीएसएस लगे, फला स्क्रीन साइज़ हो तो ये सीएसएस लगे, इतना हमने सीख लिया है। इतना करने के बाद अब मेरे पास टास्क ये है कि जो नेविगेशन बार है ना ये वाला, ये जब मेरी स्क्रीन यहाँ तक पहुँचे ना इतने पे, ये जो भी बनता है ये क्या बनता है, मोबाइल डिवाइस बनता है, मीडियम मोबाइल लार्ज के ऊपर जो है ना ये, और मीडियम के ऊपर ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाता है, टैबलेट तक ये सही रहता है। तो मैं कहता हूँ जैसे ही टैबलेट से थोड़ा सा भी नीचे आए तो ये पूरा नेविगेशन बार क्या हो जाए, गायब हो जाए, और इसकी जगह एक बर्गर मेन्यू दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। बर्गर मेन्यू सब लोगों को पता है ना, ठीक है। इस तरह का जो ये बटन आ रहा होता है उसको हम बर्गर मेन्यू कहते हैं, ठीक है, इस वाले बटन को कहते हैं। तो मैंने ये दिखाना है, कैसे करूँगा मैं बताओ? हाइट शो करेंगे हम, ठीक है। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम HTML के ऊपर हम एक नेविगेशन बार के बजाय हम दो नेविगेशन बार बनाएंगे, सही है। और जब मेरी स्क्रीन साइज़ सर्टन साइज़ से छोटी या बड़ी होगी तो मैं हाइट शो करा के एक वक्त में एक नेविगेशन बार दिखाऊंगा। आसान है, मुश्किल तो नहीं है, मैं दो नेविगेशन बार। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मैं बर्गर मेन्यू दिखा दूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं एक ऐसा नेविगेशन बार बनाऊँ जो छोटी स्क्रीन के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड हो। ज़रूरी नहीं कि मैं बर्गर मेन्यू ही बना दूँ, छोटी स्क्रीन के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड हो और मैं इस वाले को रिमूव करके उस वाले को डिस्प्ले करा दूँ, ठीक है। सम हाउ मैंने कोई ऐसा उसमें काम करना है कि जी वो छोटी स्क्रीन पर देखना शुरू हो जाए। अच्छा, ये काम मैं रैप से नहीं कर सकता। जो हमने फ्लैक्स रैप किया था ना कि जी स्क्रीन साइज़ छोटी होगी तो वो रैप होना शुरू हो जाएगा, ये काम इससे नहीं हो सकता कि जी एक बटन ऐसा मैं दिखाना चाह रहा हूँ या एक ऐसा नेविगेशन बार दिखाना चाह रहा हूँ जो इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, ठीक है। या मिसाल के तौर पे कोई ऐसा बटन है
जो मैं चाहता हूँ सिर्फ मोबाइल वाले बंदे को ही दिखे, अगर वो डेस्कटॉप पे आए वो बटन गायब हो जाए, वो दिखे ही ना। ये क्यों मैं करना चाह रहा हूँ, यानी आप मोबाइल के ऊपर थंब अलग है ना, थंब अलग जगह पे दिखता है और टैबलेट पे थंब अलग जगह पे आता है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि यार मोबाइल पे अगर वो टिकटॉक की स्क्रीन खुलती है तो मेरा जो कंट्रोल हो वो सारा थंब के साइड पे हो, तो मैं एक नेविगेशन बार थंब के अंडर अंडर में बनाऊँगा, लेकिन वो वाले सारे नेविगेशन बार में क्या करा दूँगा, गायब करा दूँगा। जैसे ही वो टैबलेट पे जाएगा ना, मोबाइल को क्रॉस करेगा वो टैबलेट पे, तो सारे कंट्रोल मैं गायब करा दूँगा। और टैबलेट के जो कंट्रोल हैं वो दोनों साइडों पे होते हैं, वो नीचे नहीं होते। टैबलेट के जो कंट्रोल्स होते हैं वो दोनों साइडों पे होते हैं, तो मैं दोनों साइडों वाला कंट्रोल डिस्प्ले करा दूँगा। सही है, तो ये काम मैं मीडिया क्वेरी से कर सकता हूँ और बहुत आसानी के साथ कर सकता हूँ ये, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। अच्छा, इसको हम एक दफ़ा करके देख लेते हैं, इसको हम एक दफ़ा क्या करते हैं, करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास इस वक्त ये जो मेरे पास इस वक्त ये एक, इसको ना मैं नेविगेशन बार की शक्ल दे देता हूँ एक्चुअली ना, इसको नेविगेशन बार की शक्ल देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी ये विर्थ हटा दूंगा मैं, और इसकी विर्थ हटा के मैं इसको बोल दूंगा यार जस्टिफाई कंटेंट जो है ना वो आप क्या कर दो, सेंटर कर दो। सही है, तो अब क्या होगा, ये कुछ इस तरह ये नेविगेशन बार की शक्ल ही हो गई एक्चुअली। लेकिन ये क्या करता है, जैसे ही ऊपर वाले को मैं गायब कर देता हूँ, ऊपर वाला ना ज़रा, ऊपर वाले को मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल गायब कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास अभी इस तरह की एक चीज़ है। तो ये काइंड ऑफ एक नेविगेशन बार ही है, यही होता है ना नेविगेशन बार में कि जी हमारे पास अंदर आइटम्स होते हैं, अब देखो ये पुश करता है। तो मैं कहता हूँ कि जी ये जब टैबलेट पे हो ना तब तो ये सही है, ओके है, ये जैसे ही टैबलेट से नीचे आता है ना तो इन बॉक्सेस का जो साइज़ है वो मैं चेंज करा देता हूँ, ठीक है, इन बॉक्सेस का साइज़ मैं चेंज करा देता हूँ और इसकी जगह मैं एक दूसरा आइटम शो करा देता हूँ। अच्छा, बॉक्सेस का साइज़ चेंज कराने के लिए मेरे पास, मैं CSS से भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं जो करने जा रहा हूँ, अभी मैं एंटायरली एक दूसरा एलिमेंट बनाऊँगा और एक को हाइड करा के दूसरे को मैं शो कराऊँगा, ठीक है। आ जाते हैं जी यहाँ पर, ये वाली तो बात समझ आ गई ना, इसको मैं रोक देता हूँ, कॉमेंट कर देता हूँ। अरे भाई क्या सीन है, ये रुकने कोई तैयार नहीं है। सही है, ऊपर लिखी गई तमाम CSS को मैं रोक रहा हूँ, और अब जो हम CSS लिख रहे हैं वो ब्रांड न्यू CSS होगी हमारे पास। अच्छा, अब मैं इसको रखता हूँ पेरेंट डेस्कटॉप, ये नाम रखता हूँ, और बॉक्स डेस्कटॉप ये नाम रखता हूँ इसका, ठीक है। इसी तरह मैं नीचे भी आके ना इसको क्या करता हूँ, चलो इस वाले को तो मैं गायब ही करा देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। पेरेंट डेस्कटॉप और ये जो बॉक्स है डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप पे मैं ना ये वाला आइटम डिस्प्ले करवाऊँगा, ये मैंने सोचा हुआ है। सही है, ये वाला आइटम मैं डिस्प्ले करवाऊँगा। अच्छा, मोबाइल के ऊपर मैं इसको क्या करवाना चाहता हूँ, एक इस एलिमेंट को टोटली हाइड करके एक दूसरा एलिमेंट शो करवाना चाहता हूँ। तो मोबाइल के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ इसी तरह का, और उसका मैं नाम रख देता हूँ के जी आप क्या हो, मोबाइल हो आप। सही है, अब देखो मेरे पास ये दो एलिमेंट्स हो गए, एक ही जैसे नेविगेशन बार है लेकिन ये दो हैं, ये मैं करा देता हूँ, और इसकी मैं CSS भी जाहिर है दूसरी लिखूँगा। सही है जी, अब मेरे पास एंटायरली दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, एक की CSS ये लिखी हुई है डेस्कटॉप वाले की, और एक की CSS ये लिखी हुई है मोबाइल वाली। अच्छा, मोबाइल में मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ ना, वो मैं ऐसे जैसे ये साइड बाई साइड है ना, मैं इसको टॉप टू बॉटम डिस्प्ले कराना चाहता हूँ अगर ये मोबाइल पर आ जाए तो, और विड्थ इसको मैं पूरी देता हूँ, ठीक है। अभी ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है क्योंकि CSS में मैंने कोई चेंज नहीं किया। अच्छा, तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद मैं इसको कहता हूँ कि आपकी क्या हो जाए जो डायरेक्शन है, यानी टॉप टू बॉटम के लिए, तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन लिखता हूँ, और मैं लिखता हूँ कि जी कॉलम, हाँ कॉलम, तो ये कॉलम हो गया। अच्छा, मैं चाहता हूँ विड्थ ये पूरी ले ले, वो कैसे होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन जब मैंने कर दी ना कॉलम, तो इसका जो जस्टिफाई कंटेंट है और अलाइन आइटम है वो अपोजिट हो जाता है ना, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर जस्टिफाई कंटेंट करता हूँ तो ये
हॉरिजॉन्टली अपने आप को डिवाइड करने के बजाय वर्टिकली अपने आप को डिवाइड करेगा ना, तो वर्टिकली तो मुझे कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं, आपस में वो चपका हुआ आए तो सही है, लेकिन मैं इसको क्या बोलूँगा कि अलाइन आइटम जो है वो क्या हो जाए, स्ट्रेच हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेच होकर पूरी विड्थ ले लेगा। ये क्यों नहीं लिया यार इसने, ये क्या बकवास है। सही तो है सर। अच्छा ये मैंने असल में अलाइन आइटम जो है वो आइटम के ऊपर लगता है ना, ये पेरेंट पे नहीं लगता अलाइन आइटम, ये आइटम्स पे लगता है, तो अब ये आइटम पे लगाना पड़ेगा। सही है। अरे क्या मसला है, ये क्या कर दिया मैंने। ओ यस, मैंने उसको विड्थ फिक्स की हुई है, तो जब ये मूव नहीं कर पा रहा, अब सेट हुआ ये। ठीक है, तो मैं मोबाइल पे ना कुछ इस तरह की चीज़ दिखाना। अच्छा ये चीज़ डेस्कटॉप पे कितनी बुरी लग रही है अभी, हाल क्योंकि मैंने स्क्रीन का साइज़ बड़ा किया हुआ है, तो ये स्क्रीन पे बहुत बुरी लग रही है इस वक्त, लेकिन मैं क्या करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके इसको सेट करता हूँ मैं, और जब ये मोबाइल पे दिखेगा तो ये होपफुली बहुत सही लगेगा मुझे। मैंने कहा कि जी पैडिंग मुझे चाहिए थोड़ा सा, इसमें पैडिंग मुझे चाहिए कि यार 1.5 REM चाहिए। सही है, ये मैंने पैडिंग दे दी कुछ इसको, मोबाइल मीडियम पे ही खोल लेता हूँ है ना, मोबाइल मीडियम पे मैं कुछ इस तरह से दिखाना चाहता हूँ इसको। और टैबलेट वाला ऑब्वियसली मोबाइल मीडियम पे क्योंकि मैं आ चुका हूँ, तो टैबलेट वाला भी ज़रा स्ट्रेच फील हो रहा है। और बस ठीक है, आई थिंक ये हो गया, इसमें ये रेडी है मेरा मोबाइल के लिए, ये बिल्कुल रेडी है। अच्छा अभी क्या होता है कि बैक वक्त मुझे दोनों दिख रहे होते हैं, ये मोबाइल वाला भी और टैबलेट वाला भी, और मैंने अब क्या करना है, मैंने ये करना है कि टैबलेट वाली स्क्रीन पर जब मैं जाऊँ तो मुझे ये दिखे ऊपर टैबलेट वाला, जैसे ही मैं टैबलेट से एक पिक्सल नीचे आऊँ ना ये मोबाइल वाला दिखना शुरू हो जाए। आ जाते हैं इसको करने के लिए हम। ठीक है, ये मैक्स और मिन वाला ये काम करना है मैंने, राइट। मैंने कहा जी फॉर टैबलेट, फॉर टैबलेट के ऊपर मैंने क्या बोल दिया आके कि जो है ना आप मोबाइल वाले को कर दो हाइट। सही है, मोबाइल वाले को मैं कैसे हाइट करूंगा, मैं कहूंगा मोबाइल पेरेंट और डिस्प्ले नन। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये क्या होता है कि जब मैं टैबलेट पे होता हूँ ना तो मोबाइल वाला क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, जैसे ही मैं इसके ऊपर या नीचे जाऊँगा तो ये मुझे दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया है, फॉर टैबलेट लगा दिया है, फॉर टैबलेट मिन विड्थ इतना और मैक्स विड्थ इतना। अच्छा ये मैंने क्या कर दिया, बड़ी स्क्रीन के लिए मुझे अलग से लगाना पड़ेगा, यानी अबव टैबलेट, अबव टैबलेट पे भी मुझे उसको तो हाइड ही रखना है ना। हाँ उसको अलग लगाना पड़ेगा, लेकिन क्या मैं इसी में कोई ऐसा चेंज कर सकता हूँ कि ये वाला जो है ना काम सिर्फ उस पर हो जाए, ये वाला जो है ना काम सिर्फ उस पर हो जाए। चलो मोबाइल के लिए भी बनाते हैं ना पहले, तो ये मोबाइल वाला जो है इसको भी लाते हैं, फिर देखते हैं जो पॉसिबिलिटी होगी वो करेंगे फिर। ठीक है, ये मैंने मोबाइल वाला यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया कि जी फॉर मोबाइल जो है वो क्या हो, जब मोबाइल की स्क्रीन हो यानी कि मैक्स विड्थ 375 या उससे नीचे नीचे जब हो, तो यहाँ पर मैं क्या करवा देता हूँ, जो मेरा पेरेंट है ना, पेरेंट डेस्कटॉप जो है उसको मैं डिस्प्ले नन करा देता हूँ। यार ये क्या हो रहा है, उसको सर डिस्प्ले कराना पड़ेगा, डिस्प्ले ऊपर जो हमने डिस्प्ले नन किया है। ओह यस, डिस्प्ले नन किया है उसको मुझे वापस भी तो लाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे मैं पेरेंट को जो हिडन कर रहा हूँ, तो पेरेंट को हिडन करने के साथ साथ मुझे मोबाइल वाले को वो भी करना पड़ेगा ना, मोबाइल वाले को वापस से विजिबल भी तो करना पड़ेगा। इसमें विजिबिलिटी हम लगाते हैं, विजिबिलिटी हिडन और विजिबिलिटी विजिबल। सही है, ये मेरा फॉर मोबाइल है, फॉर मोबाइल में डेस्कटॉप वाला हिडन होगा और मोबाइल वाला जो है वो विजिबल होगा। सही है, ये मैंने मोबाइल वाले को बिल्कुल सेट कर लिया। अब टैबलेट वाले पे आते हैं, टैबलेट वाले पे मैंने कहा कि जी मोबाइल जो है वो क्या होगा, विजिबिलिटी जो है वो
मोबाइल वाले की हिडन हो जाएगी, और जो मेरा डेस्कटॉप वाला है उसकी विजिबिलिटी जो हो जाएगी वो विजिबल हो जाएगी। अब ये क्या चक्कर है? अच्छा, पहले इस वाले को वेरीफाई करते हैं कि जब मैं मोबाइल पर आता हूँ तो डेस्कटॉप वाला गायब होना चाहिए और मोबाइल वाला दिख जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यार ये चलना तो चाहिए। अरे ये क्या हो रहा है? ओहो नहीं, चल तो रहा था वो, अच्छा चल रहा था वो। यार हम उसको छोटा नहीं कर रहे थे, हमने उसको बड़ा किया हुआ था ना, हम उसको छोटा नहीं कर रहे थे। अच्छा ये हो गया ना, सही है। ये जैसे ही मोबाइल पे आता है और ये उससे ऊपर जाता है तो ये टैबलेट वाला आ जाता है, लेकिन बीच में ये एक जगह पे और भी डिस्प्ले हो जाता है। ये बीच में एक जगह पे और भी क्या होता है, ये डिस्प्ले हो जाता है ना आकर। अच्छा ये बड़ी स्क्रीन पे दोबारा वापस आ जाता है, मोबाइल वाला जो है वो बड़ी स्क्रीन पे जाते हैं तो वापस आ जाता है दोबारा, ये कैसे सीन हो रहा है? ओ ये टैबलेट वाली जो है ये मैक्स 768 पे रुक जाता है जाके, तो ये मैं हटा देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ तो वो पूरा आगे तक लेके चला जाएगा उसको। सही है, ये मेरा मसला बिल्कुल सेट हो गया। अब जब मैं मोबाइल डिवाइस पे जाता हूँ तो ये दूसरा नेविगेशन बार दिखता है, और जब मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ तो ये दूसरा दिख रहा होता है। अच्छा मुझे एक्चुअली सेट ये करना था कि मैं इस वक्त ये टैबलेट पे हूँ, ठीक है, इस वक्त मैं टैबलेट पे हूँ, तो टैबलेट से मैं जैसे ही थोड़ा सा नीचे आऊँ ना तो उसको मैंने चेंज करवाना था, जो कि अपोजिट हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर साइज़ में कोई गड़बड़ कर दी है। मैं जैसे ही टैबलेट से एक पिक्सल नीचे जाऊँ ना, यानी 768 से, क्या था ये 768 था ना, 768 से एक पिक्सल में नीचे जाऊँ तो ये काम मैंने करवाना था। तो इसको मैं लिखूँगा 768 पिक्सल, और इसको मैं लिखूँगा 768 पिक्सल। अब ये सेट हुआ है जो मैं चाह रहा था ना, अब हुआ है, ये हो गया। 768 से एक पिक्सल नीचे गया तो ये टैबलेट से नीचे उतर गया ना तो मोबाइल पर आ गया। हाँ उसका स्पेस इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि हमने विजिबिलिटी को इस्तेमाल किया हुआ ना, इस वजह से छोड़ रहा है। यार असल में डिस्प्ले नन करवाने से ना फिर उसको मसला ये है कि मैं डिस्प्ले नन कराता हूँ अगर, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जब वापस विजिबल करवाऊँगा मैं तो मेरे पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। वो डिस्प्ले फ्लैक्स मुझे करना होगा उसको एक्चुअली। नहीं नहीं ब्लॉक करने से तो वो फ्लैक्स ख़त्म हो जाएगा उसका। वो असल में मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने ओरिजिनल में क्या लगाया हुआ है। जैसे कि ये पेरेंट डेस्कटॉप है ना, पेरेंट डेस्कटॉप क्या है, डिस्प्ले फ्लैक्स है, ठीक है। तो मैं जब क्या करूँगा, एक तो मैं डिस्प्ले नन करवाऊँगा इसको, और जब नीचे जाऊँगा ना मैं विजिबल वाले पे, तो इसको मैं यहाँ पे फ्लैक्स करूँगा, ठीक है। अब ये सेट हो गया। हाँ डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। अब ये जगह नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब ये सेट हो गया ना। अच्छा तो मैंने क्या किया इस, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने बॉक्सेस बनाया ना, और इस बॉक्सेस को हैंडल करने के और भी कई तरीके थे जो इससे आसान थे। इस सिचुएशन में, इस सर्टन सिचुएशन में ये जो मैंने काम किया ना, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं मीडिया क्वेरी से करता ये काम। ये काम तो मैं फ्लैक्स बॉक्स से ही कर सकता था, ये काम मैं फ्लैक्स बॉक्स से भी कर सकता था, ठीक है। लेकिन ये मीडिया क्वेरी समझाने के लिए मैंने आपको ये काम किया, ठीक है। और ये एलिमेंट मैंने रिप्लेस किया है, इस काम को मैं बगैर एलिमेंट रिप्लेस किए भी कर सकता था इस सिचुएशन में, ठीक है। ये कोई ऐसी अल्टीमेट एग्जांपल नहीं है जो बगैर मीडिया क्वेरी के हो नहीं सकती, लेकिन मैंने डेमोंस्ट्रेशन के लिए ये काम मीडिया क्वेरी से करके दिखाया है, सही है। अच्छा ऐसा कौन सा काम है जो मीडिया क्वेरी के बगैर नहीं हो सकता, ये एलिमेंट रिप्लेस करवाने वाला, कि पूरा पूरा एलिमेंट गायब करा के मैं एक दूसरा एलिमेंट दिखाऊँ ना, ये बगैर मीडिया क्वेरी के ये काम नहीं हो सकता। अच्छा अब एक लास्ट बात ये समझ लो, इसमें किसी का कोई सवाल तो नहीं है, समझ आ गया, सब क्लियर हो गया। अच्छा इसका मतलब ये है कि अब इस वेबसाइट को, ये जो आपने बनाई हुई थी, ये जब छोटी होगी
तो इसका जो ये नेविगेशन बार गायब करा के दूसरा नेविगेशन बार डिस्प्ले कराना, अब आप ये कर सकते हैं, ठीक है। जब ये स्क्रीन छोटी होगी तो आप देखें ये जो नीचे ये बॉक्स बना हुआ रहा है ना, ये यहाँ तक तो यहाँ तक भी ठीक नहीं है वैसे, ये जो है ना यहाँ तक ठीक है। इससे जैसे ये छोटा होता है तो मुझे इस पूरे एलिमेंट को गायब करा के इसकी जगह एक दूसरे एलिमेंट को डिस्प्ले कराना है जिसमें इमेज टॉप पे हो और ये वाला पार्ट बॉटम पे हो, टॉप टू बॉटम ऐसे हो जाए, ठीक है। या मैं इसको somehow इस एलिमेंट को मैं कुछ ऐसा करके डिस्प्ले कराऊँ कि मोबाइल पर ठीक लगे। फ्लैक्स रैप से भी ये काम हो सकता है, लेकिन मीडिया क्वेरी से भी हो सकता है, ठीक है। तो somehow आप मीडिया क्वेरी से करें या फ्लैक्स बॉक्स से करें, आपने कुछ ऐसा करना है कि ये सही दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। अगेन मैं जैसे बता चुका हूँ कि इस क्लास में जो हम ये सारे टूल्स पढ़ रहे हैं, ये असल में आपका टूल से इंट्रोडक्शन हो रहा है। जैसे एक कारपेंटर होता है, उसके पास ये आरी भी होती है, ब्लेड भी होता है, कि हथौड़ी भी होती है। अब वो उसकी मर्ज़ी है कि जी उसने कील ठोकनी है तो वो हथौड़ी से ठोके या वो आरी का ही दस्ता लेके यूं ठोक जाता है ना, सही है। तो सारे टूल उसके पास अवेलेबल हैं। अब जब वो उसके पास सामने सिचुएशन आएगी तो वो डिसाइड करेगा कि वो कौन सा टूल उसमें उसने अप्लाई करना है। इसी तरह आपके पास भी जो वेबसाइट आप बना रहे होंगे, तो ये सारे टूल आपने सीखे हैं, इसमें से मुख्तलिफ टूल को इस्तेमाल करते हुए वही सेम काम करना पॉसिबल होगा। लेकिन आप कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे जो आपको लगता है कि हाँ यार इस सिचुएशन में मेरे लिए बेस्ट है, या इस सिचुएशन में मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ, कर सकता हूँ, तो वो आपका डिसीजन होगा एक्चुअली। अच्छा, अब एक लास्ट बात ये समझ लो कि मीडिया क्वेरी की जो कंडीशन है वो हमने अभी क्या सीखी है लगाना, कि स्क्रीन के साइज़ के ऊपर कंडीशन लगाना सीखा है। इसमें हमारे पास 4-5 और भी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जिसकी बेस पे मैं कंडीशन लगा सकता हूँ। वो क्या चीज़ है? स्क्रीन की ओरिएंटेशन, कि इस वक्त लैंडस्केप में खुली हुई है वेबसाइट या पोर्ट्रेट में खुली हुई है। अच्छा, डेस्कटॉप डिवाइस के अंदर तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, उसमें तो एक ही होता है, ठीक है। लेकिन मोबाइल फ़ोन पे अगर वो मैंने मोबाइल को यूँ पकड़ा हुआ है अगर, और मैं मोबाइल को अगर यूँ घुमाता हूँ और वो रोटेट होके पेज चेंज हो जाता है, तो मैं अगर ऐसे पे एक मुख्तलिफ एलिमेंट दिखाना चाहता हूँ और ऐसे पे एक मुख्तलिफ एलिमेंट दिखाना चाहता हूँ, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। ओरिएंटेशन के ऊपर मैं कंडीशन लगा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी लगा सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी स्क्रीन का साइज़ अगर 600 पिक्सल हो कम से कम, और ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो, तब ये काम करो। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी मैं लगा सकता हूँ। आप सोचिए कितनी सारी कॉम्बिनेशंस बन गई, कितना ज़्यादा कंट्रोल आ गया आपके पास, है ना। सिर्फ साइज़ लगाते तो चलो सिर्फ साइज़ था कि जी मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना, इसके दरमियान में हो तो ये काम कर लो, ये हो गया। लेकिन अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ मिनिमम साइज़ इतना, मैक्सिमम इतना, और स्क्रीन आपकी लैंडस्केप में होनी चाहिए ऐसे, तो तब ये वाली CSS लगाओ। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप लगा सकते हैं। और एक तो जी आपने जब दो कंडीशंस लगाई ना, साथ में लगाया एंड, आपने साथ में आपने क्या लगाया, एंड लगाया, इसके जगह ना आप और भी लगा सकते हैं, सही है। मिसाल के तौर पे जब एंड लगाता था तो मैं क्या होता, मैं कहता था यार मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल हो कम से कम, और साथ साथ ओरिएंटेशन भी लैंडस्केप हो, या दोनों चीज़ें जब सेटिस्फाई होंगी तो तब ये अप्लाई होगा इसके ऊपर। लेकिन अगर मैं इसमें और लगा देता हूँ ना, तो इसमें से कोई एक भी सेटिस्फाई हो गया तो ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी, सही है। ये और हमने देख लिया। अच्छा, नॉट भी इसमें लगा सकते हैं। अब ये आप ख़ुद से इसको डिस्कस कर एक्सप्लोर कर लीजिएगा कि नॉट को हम क्या कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और भी इसके अंदर चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि प्रिंट। ये देख रहे हो, प्रिंट है ये। प्रिंट क्या चीज़ होती है भला, कि जब आप करते हो ना कंट्रोल पी दबाते हो जब आप, तो ये प्रिंट वाला पेज खुलता है। अब आप नोट करो कि जब मैं यहाँ पे होता हूँ ना, देखो मैं टॉप पे हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर क्या है इस वक्त, ब्लैक है इसका, इस पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है ना। मैं कंट्रोल पी दबाता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाता है, ठीक है। तो प्रिंट करने की सूरत में अगर मेरे पास एक डिव है जो कि वैसे रेड कलर का दिखता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जब प्रिंट किया जाए तो ये रेड ना दिखे, ये दिखे येलो, तो मैं ये काम भी इसमें कर सकता हूँ। इसकी शायद ज़रूरत बहुत कम पड़ती हो, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि मेरे वेब पेज के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रिंटेबल नहीं होती, जो प्रिंटेबल नहीं होती है। तो मैं मोस्टली क्या करता हूँ, उन चीज़ों को गायब करा देता हूँ। जब कोई कंट्रोल पी दबाता है ना, जैसे मिसाल के तौर पर ये टेबल है मेरे पास, ये टेबल है मेरे पास,
तो मैं कंट्रोल पी दबाने की सूरत में ना इस टेबल को गायब करा सकता हूँ कि प्रिंट में ये कभी भी प्रिंट ना हो। सम टाइम मैं पूरा का पूरा पेज ही गायब करा देता हूँ। भाई मिसाल के तौर पर मैंने एक एप्लीकेशन बनाई जो टेस्ट होता है, MCQs बेस्ड टेस्ट है, बंदा क्विज स्टार्ट करता है और एक एक क्वेश्चन का आंसर करते हुए आगे बढ़ता है। अब उसमें से किसी बीच में बंदा प्रिंट का बटन दबाता है ना अगर कंट्रोल पी, तो उस पेज को ब्लैंक आना चाहिए प्रिंट के ऊपर, तो उसमें मैं ये वाला इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस या इस तरह की छोटी छोटी सिक्योरिटी के लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। स्टिल बंदे के पास ऑप्शन होता है कि वो स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट पे इसका कोई कंट्रोल नहीं है, सिर्फ प्रिंट के ऊपर काम करता है। ठीक है, और ये सिक्योरिटी फीचर नहीं है, ये प्रिंट के ऊपर जो काम करता है ये सिक्योरिटी फीचर नहीं है, ये असल में उन चीज़ों के लिए है कि कुछ चीज़ें आप चाहते हो प्रिंट में ज़रा मुख्तलिफ तरह से दिखें। अब जैसे आपका पेज है ना, आपके पेज में यहाँ पर ये साइड वाली चीज़ें भी आ रही हैं और ये वाली भी चीज़ें आ रही हैं। अब अगर कोई बंदा ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करता है तो उसको क्या ये प्रीवियस का और ये नेक्स्ट का बटन दिखाना चाहिए मुझे? ये नेक्स्ट का बटन प्रिंटेड पेज पे क्लिक थोड़ी होगा, तो इसको प्रिंट कराने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर मैं पेपर पे प्रिंट करता हूँ इसको, तो मुझे सिर्फ वो टेक्स्ट दिखना चाहिए जो इन्फॉर्मेशनल इसमें कॉन्टेंट है। इन्फॉर्मेशनल कॉन्टेंट जो है ना, जो इसके अंदर जो मुझे मेरा टेक्स्ट है एक्चुअली, वो मुझे दिखना चाहिए। ये साइड वाले मेन्यू थोड़ी दिखने चाहिए। तो ये अगर मैं कंट्रोल पी दबाता हूँ ना, तो आप देखें ये साइड वाली चीज़ें क्या हो गई, सारी की सारी गायब हो गई। ये नेक्स्ट की और वो बटन सारे गायब हो गए। तो ये एक्चुअली मीडिया क्वेरी के थ्रू इस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसकी आपको मोस्टली ज़रूरत पड़ेगी कि जब आप प्रिंट करवा रहे होंगे तो आपको बिल्कुल एक मुख्तलिफ पेज दिखाना पड़ेगा। जो कि देखो यहाँ पर पूरा नेविगेशन बार है, साइड पर ये सर्च बार आ रहा है, पता नहीं साइन अप का बटन आ रहा है, ये ऊपर एक प्रमोशन भी चल रही है कि भाई अप्लाई नाउ आपको डिस्काउंट दे रहे हैं हम। ठीक है, नीचे एक तरह की जो है ना पूरी दुनिया यहाँ पर आबाद हुई हुई है, लेकिन प्रिंट में वो तमाम की तमाम चीज़ें मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से जो ये एडिटर है, सम टाइम यहाँ पर ना एक ट्राई इट योर सेल्फ आ रहा होता है कि उस पर आप लिखते हो और सामने आपको वो जो है ना बता रहा होता है चेंज करके ना, कहाँ गया वो यार, इसमें नहीं है वो एक्चुअली। वो इससे पहले वाली एग्जांपल जो हम कर रहे थे ना जेड इंडेक्स वाली, उसमें वो थी। तो उस तरह की अगर कोई एग्जांपल है ना कोड एडिटर वगैरह को बीच में लगा हुआ, तो उसको भी प्रिंट तो हम नहीं करा सकते एक्चुअली। प्रिंट करा भी देंगे तो उसमें चेंजेस करने से दिखेगा थोड़ी सामने, तो उस तरह की चीज़ों को हम फिर हटा देते हैं। अच्छा, तो हमने क्या देख लिया, नंबर एक स्क्रीन साइज़ के ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं, नंबर दो स्क्रीन की ओरिएंटेशन के ऊपर लगा सकते हैं, नंबर थ्री प्रिंट के ऊपर हम कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, और भी देख लेते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई मीडिया क्वेरी के अंदर। अच्छा, स्क्रीन की हमने सिर्फ विर्थ पे पर लगा कर देखा है, लेकिन हम हाइट पे भी लगा सकते हैं ना, विर्थ और हाइट दोनों पे लगा सकते हैं अभी एक्चुअली। ठीक है, तो विर्थ पे लगाना सीख गए तो हाइट पे भी सीख जाएंगे आप, नो प्रॉब्लम। हाइट पे मैटर करेगा एक्चुअली, हाइट पे मैटर इसलिए करेगा क्योंकि कुछ जैसे अभी मेरी स्क्रीन है ऐसे है, हाइट इसकी कम है। मिसाल के तौर पर मैं कोई ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जो जिसकी हाइट 1000 पिक्सल है, जिसकी हाइट 1000 पिक्सल है, तो अगर मेरे पास लंबी स्क्रीन है तो मैं पूरी को यूटिलाइज़ कर लूँगा। अगर छोटी है तो मैं कहूँगा अच्छा इसको ना ज़रा समाओ, ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, बहुत मोस्ट कॉमनली नहीं पड़ेगी लेकिन पड़ सकती है। मेरा ख्याल है हमने ये सारा कवर कर लिया, इसमें कुछ भी रह नहीं गया। हाँ, एक यहाँ पे होवर भी है, लेकिन होवर तो CSS में वैसे भी होता है, तो होवर के ऊपर भी आप कुछ CSS लगा सकते हैं। इसके लिए सूडो क्लास भी एक अवेलेबल है और ये मीडिया क्वेरी भी अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है। ठीक है, एंड और की लॉजिक भी हम सीख गए यहाँ पर। तो आई होप के अब जो आप बनाएंगे ना नेक्स्ट अपनी वेबसाइट, कौन सी वाली बनाएंगे, उसमें ना मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल कर लेना ज़रा, ताकि हाथ सेट हो जाए। हाँ चलो, इसी को ज़रा इम्प्रूव कर लेना, या कोई ऐसी वेबसाइट बना लेना जिसमें नेविगेशन बार आता हो और नेविगेशन बार उसका रिप्लेस हो रहा हो छोटा होने पे। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में सब लोगों का चेक करूँगा। एक असाइनमेंट आपने कोई अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेबसाइट बना के ना उसमें मीडिया क्वेरी अप्लाई कर लेना। ठीक है, ओरिएंटेशन पे भी अगर अप्लाई कर पाओ, और अगर कंट्रोल पी दबाओ ना तो उसमें ये नेविगेशन बार ना आ रहा हो। ये दो बातें मैंने आपको दे दी असाइनमेंट। ठीक है, जब आप कंट्रोल पी दबाओ मैं इसी पेज के ऊपर, तो मुझे ये नेविगेशन बार ना इसके अंदर नज़र आ रहा है। ठीक है यार, थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा ओवर हो गया, सो सॉरी। लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि आप असाइनमेंट बना लेंगे, आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।